तो हमारा टॉपिक है हीमोस्टेसिस एंड ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? हीमोस्टेसिस एंड ब्लड कोगुलेशन। अब ये हीमोस्टेसिस क्या है इसको भी हम लोग जानेंगे, और ब्लड कोगुलेशन एक सिंपल सा टर्म है, आपने पढ़ा भी होगा या बहुत आप फैमिलियर हैं इस टर्म के बारे में कि ब्लड कोगुलेशन क्या है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे ब्लड कोगुलेशन क्या है। जनरली किसी भी तरह की क्लॉटिंग को जनरल स्टूडेंट ब्लड कोगुलेशन ही कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हीमोस्टेसिस और सेकेंड टॉपिक इज ब्लड कोगुलेशन, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या ये कहें कि ये एक स्टेप में कंप्लीट हो, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है प्लेटलेट्स का इम्पोर्टेंट रोल है ब्लड क्लॉटिंग। क्या रोल है, किस तरह का रोल है, वो तो हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लें, ठीक है, देन हम लोग टॉपिक पर आएंगे हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का ही पार्ट है ब्लड कोगुलेशन। क्या पार्ट है? ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, तो वहां पर हम लोग इस टॉपिक में फोकस करेंगे कि ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है, या ये कहें हीमोस्टेसिस कैसे होती है। वहां पर हम लोग उस मैकेनिज्म को जानने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लेटलेट्स का बेसिक रोल क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनको हम लोग स्टडी करेंगे, और यदि इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो भी ठीक नहीं है। तो प्लेटलेट्स हमारी क्या है? प्लेटलेट्स भी तो ब्लड सेल हैं। तो ब्लड के कंपोजिशन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि सेल्स और प्लाज्मा का बना है। सेल्स में तीन सेल्स के नाम आपने लिखे थे, आरबीसीज, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, तो प्लेटलेट्स भी ट्रू सेल्स नहीं है। मैं आपको प्लेटलेट्स के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से समझिए, प्लेटलेट्स क्या नहीं है? ट्रू सेल्स नहीं है, लेकिन इनके पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सेल की है। ये ट्रू सेल नहीं है, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? सेल की हैं। इस वजह से हम लोग इनको सेल भी कंसीडर करते हैं, ये नहीं कहते हैं प्लेटलेट सेल नहीं। तो जब हम लोग ब्लड में सेल्स का नाम लेते हैं तो एक नाम किसका लेते हैं? ठीक है, एक्चुअली में प्लेटलेट्स एक बड़ी सेल जिसे मेगा कैरियोसाइट कहते हैं, उसके फ्रेगमेंट से, उसके क्या है? फ्रेगमेंट। जैसे आप लोगों ने स्टडी किया था सेल बायोलॉजी में, पढ़ते हो कि मेम्ब्रेन से इस तरह से वेसिकल्स बन करके रिलीज होती ना, और फाइनली ये वेसिकल इस तरह से अलग हो जाती है। तो आप ऐसा समझ लें एक बड़ी सेल है जिसे मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? और उससे बहुत सारी, ठीक है, छोटी छोटी वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, और ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर ही प्लेटलेट्स हैं, ये सेल्स। एक मेगा कैरियोसाइट से ऑन एन एवरेज हजारों में प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होती हैं, और इनका नंबर 10,000 तक हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो प्लेटलेट्स किसके प्रोडक्ट हैं, और इनके पास न्यूक्लियस नहीं। जैसे आप वेसिकल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, जैसे सेल बायोलॉजी में हम लोग वेसिकल्स की रिलीज और फ्यूजन पढ़ते हैं, ऐसे समझिए एक बड़ी सेल से बहुत सारी छोटी छोटी वेसिकल्स अलग हो रही हैं, और यही वेसिकल्स क्या है? प्लेटलेट्स। लेकिन इनके पास कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सेल की प्रॉपर्टी है, इस वजह से इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? सेल्स नाम देते हैं। जैसे वेसिकल्स जब आप स्टडी करते हैं तो उनमें क्या है? एक फ्लूइड पोर्शन है, उसमें स्पेशलाइज्ड कंटेंट प्रेजेंट है, और उनके सरफेस पर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं, स्नेयर्स वगैरह हैं, और वो अपने एक टारगेट मेम्ब्रेन पर जाकर के फ्यूज होगी। ठीक है, लेकिन वहां पर आप यदि आप कहें कि उनके अंदर साइटोस्केलेटल होगा या वेसिकल के अंदर वेसिकल्स होंगी, ऐसा तो नहीं पढ़ते आप। समझ में आ रहा है? तो प्लेटलेट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो यूनिक हैं, और उनके बेसिस पर हम लोग इसे सेल कंसीडर कर सकते हैं। प्लेटलेट्स आर स्मॉल फॉर्म्ड एलिमेंट्स, अर्थात सेल्स। हम लोगों ने ब्लड सेल्स को ही क्या नाम दिया था? फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। दे आर ए न्यूक्लियर। कैसी है? ठीक है, इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दे आर फ्रेगमेंट ऑफ, किस सेल के ये प्रोडक्ट है? मेगा, एक बड़ी सेल है। ठीक है, काफी
अब आप प्लेटलेट्स के, प्लेटलेट से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी सेल होगी जिसे 10,000 प्लेटलेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये तो साइज बहुत बड़ा होगा, किसके प्रोडक्ट है ध्यान रखेंगे। प्लेटलेट्स आर एडॉप्टेड टू पार्टिसिपेट इन हीमोस्टेसिस। प्लेटलेट्स वो सेल्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं हीमोस्टेसिस। हीमो मतलब ब्लड हो गया और स्टेसिस मतलब रोकना, ठीक है। सिंपली मैं इस टर्म को थोड़ा डिफाइन कर रहा हूँ, हीमोस्टेसिस रोकना। जब हमारी ब्लड वेसल्स में कोई डैमेज हो जाए, वो रप्चर हो जाए, वो ओपन हो जाए, तो ब्लड रिलीज होने लगता है, ठीक है। उस ब्लड लॉस को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस कहते हैं। क्या बोलेंगे, हीमोस्टेसिस, ध्यान रखेंगे। तो ब्लड लॉस को रोकने की प्रक्रिया को हीमोस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। किसके प्रोडक्ट हैं प्लेटलेट्स बताइए, मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हैव हाईली डेवलप्ड साइटोस्केलेटल सिस्टम। ये प्रोडक्ट तो मेगा कैरियोसाइट के हैं, एक बड़ी सेल के, ठीक है, बड़ी सेल से जैसे वेसिकल रिलीज होती है उस तरह से रिलीज हो रहे हैं, लेकिन इनके पास अपना साइटोस्केलेटल सिस्टम है और ये कैरेक्टर तो सेल का होता है, ये ध्यान रखेंगे। हैव डेवलप्ड मेम्ब्रेन सिस्टम, इनकी अपनी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो, और उस सेल के अंदर बहुत सारी क्या है, वेसिकल्स हैं। उस सेल के अंदर भी क्या है, वेसिकल्स हैं। तो सेल की तरह इनके पास भी डेवलप्ड मेम्ब्रेनस सिस्टम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी नजर आता है, वेसिकल्स नजर आती है जिनमें बहुत सारे एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है। ये तो सेल के, सेल का ही करेक्टर है ना, ये ध्यान रखोगे। When they activate, जब ये एक्टिवेट होते हैं तो इनके पास जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, उन ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट कंटेंट को ये बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है। दे रिलीज केमिकल्स फ्रॉम इट्स ग्रेन्यूल, ये ध्यान रखेंगे। ये अपनी शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज करते हैं, शेप को चेंज करते हैं, और जैसे एक सेल दूसरी सेल के साथ कॉन्टेक्ट बना करके साइनेप्सिस कर सकता है, ठीक है, या कॉन्टेक्ट बना करके सेल टू सेल जंक्शन बन सकते हैं, उसी तरह से ये सेल्स भी हमारे ईसीएम को रिकॉग्नाइज करके उनके साथ अटैच हो सकते हैं। इसी अटैचमेंट से क्या शुरू होता है, जो हीमोस्टेसिस की प्रोसेस है, क्लॉटिंग की प्रोसेस है, वो शुरू हो सकती है। दे कैन चेंज देयर शेप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि साइटोस्केलेटल सिस्टम है तो ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। जिसके पास साइटोस्केलेटल है वो अपनी सेप को चेंज कर सकता है। सेल के अंदर एक नेटवर्क है प्रोटीन्स का, ठीक है, उन प्रोटीन के बेसिस पर ये अपने सेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वेरी लॉन्ग एंड थिन प्रोसेसेस, जैसे स्यूडोपोडिया बनते हैं ना, जैसे अमीबा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत स्यूडोपोडिया बनते हैं, बाहर की तरफ मेम्ब्रेन क्या होते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, उसी तरह से ये भी अपना सेप चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके प्रोडक्ट हैं मेगा कैरियोसाइट के, ठीक है, ये एक्सटीरियर कोट है, माइक्रोटिब्यूल सिस्टम है, ठीक है, सब मेम्ब्रेन एरिया है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ट्राइलेमिनर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ओपन कैनालिकुलर सिस्टम है, मतलब ओपन कुछ ऐसे आपको साइटोस्केलेटल और मेम्ब्रेन बेस्ड स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनसे ये अपने कंटेंट को रिलीज कर सकते हैं, या फिर इंटरनल रीजन में भी ये एक्सटर्नल जो कह सकते हैं एनवायरनमेंट है उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो प्लेटलेट्स हैं इनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेल जैसा है, लेकिन इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, दे आर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ मेगा कैरियोसाइट। इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो लगभग 4 दिनों की है, कितने दिनों की है, 4 दिनों की हाफ लाइफ, कितने दिनों की हो गई, 4 दिनों की। तो टोटल लाइफ कितनी ऑन एन एवरेज हो सकती है, टोटल लाइफ कितनी हो सकती है बताइए, ऋतिकेस बताओ कितना लाइफ हो सकता है। तो हाफ लाइफ कितनी है, तो एक सेल 4 दिनों में क्या होगी, उसकी लाइफ क्या हो गई, आधी हो गई, ठीक है। अब उसकी आधी लाइफ जो है अगले 2 दिनों में होगी, और उसकी आधी लाइफ अगले एक दिन में होगी, ऐसे तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं। 4 दिनों में क्या हुई, आधी हुई। अब आधे से आधे में कितना लगेगा,
दो दिन समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, समझ में आ रहा है। इस तरह से ऑन एन एवरेज 7 to 8 days हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 से 8 दिन इनकी क्या होगी, एवरेज लाइफ होगी, आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है पॉइंट आता है कि प्लेटलेट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पर ये हीमोस्टेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इनके पास 3 ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सेल्स हमारी हीमोस्टेसिस प्रोसेस। एक तो अधेशन, ठीक है, अधेशन का मतलब होता है ये सेल किसी दूसरे सरफेस के साथ या सेल के साथ अटैच हो सकते हैं, दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा, ये हमारी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को अंदर की तरफ से लाइन करती हैं इंडोथीलियल सेल्स। कौन लाइन करता है, इंडोथीलियल सेल्स। जब ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी तो इंडोथीलियल सेल्स में भी डैमेज आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। जब ये इंडोथीलियल सेल्स डैमेज होगी, ये इंडोथीलियल सेल्स एक बेस पर अटैच होती हैं जिसे आप एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हो, क्या कहते हो, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स है वो तो कॉम्प्लेक्स कह सकते हो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोटीन्स का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का है और ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स का कॉम्प्लेक्स है, ये तो पढ़ा है ना। तो जब हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं तो हमारा वो एरिया एक्सपोज होने लगता है जो डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं है, जो डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं है वो एरिया क्या होने लगेगा, एक्सपोज होने लगेगा। और इंडोथीलियल सेल्स अटैच होती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, किस पर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जिस पर सेल को अटैच किया है। जैसे आपने देखा होगा कभी मकान बनाने वाले व्यक्ति को देखा हो, वो ईंटों को जोड़ रहा होता है तो एक सीमेंट की लेयर लगाता है और उस पर क्या रखता है, ईंटें रखता है। उसी तरह से इंडोथीलियल सेल्स को आप ईंटें मान लें और जो वो सीमेंट की लेयर है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो जब ईंटें हटा दोगे तो मैट्रिक्स ही तो नजर आएगा। तो जैसे ही मैट्रिक्स एक्सपोज होता है और स्पेसिफिकली कोलेजन क्या एक्सपोज होगा, ये अटैच होने लगते हैं। तो ये जो हमारे प्लेटलेट्स हैं उनका अटैचमेंट यहां पर क्या होगा, शुरू हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, अधेशन। तो जहां पर भी डैमेज होगा और जैसे ही हमारा ईसीएम एक्सपोज होगा ये अटैच होना शुरू हो जाएंगे। उनकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स इजिली अधेयर टू डैमेज वेस्कुलर इंडोथीलियम, दिस इज कॉल्ड अधेशन। ये ध्यान रखोगे, एक तो ये प्रॉपर्टी है, ये इनके पास ये अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी है, तो जब भी डैमेज होगा ये अटैचमेंट शुरू कर देंगे। दूसरा कौन है, अग्रेगेशन। जब यहां पर प्लेटलेट्स अटैच होने लगते हैं तो इस जगह पर यहां पर प्लेटलेट्स क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं ईसीएम से। तो जो प्लेटलेट्स ईसीएम से अटैच है उन्हीं प्लेटलेट से दूसरी प्लेटलेट्स आकर के अटैच होने लगती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अग्रेगेशन। प्लेटलेट्स नॉट ओनली स्टिक टू द इंजर्ड वेसल वॉल बट आल्सो टू ईच अदर। तो जो वेसल वॉल से अटैच हो गए हैं उन प्लेटलेट्स के साथ दूसरी प्लेटलेट्स आकर के अटैच होने लगते हैं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक प्लेटलेट दूसरी प्लेटलेट से अटैच होने लगते हैं और इस तरह से वो एक के ऊपर एक अटैच होकर के क्या बनाने लगते हैं, लेयर बनाने लगते हैं। तो जब इस तरह से ये अटैच होकर के लेयर बनाने लगेंगे तो आप समझ सकते हैं ये जो डैमेज एरिया था उसे रीसील कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, चिंता ना करो मैं आपको समझा लूंगा। आपने देखा होगा बहुत सारे एरिया में जो नहरें होती हैं कभी कभी उनकी जो कवरिंग होती वो ब्रेक हो जाती, ठीक है, और पानी बहने लगता है। तो आपने देखा होगा कि उस डिपार्टमेंट में जो भी लोग होते हैं या आसपास के जो लोग होते हैं वो बोरियों में मिट्टी भर के और उसमें रखना शुरू करते हैं केंड से और धीरे धीरे क्या करते हैं उस एरिया को कवर कर देते हैं, यही तो करते हैं ना। तो जो बोरियां हैं जिनमें मिट्टी भरी जा रही है वो प्लेटलेट्स, आप ऐसा समझ। तो एक दूसरे से भी अटैच हो सकते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। जब ऐसा होता है, जब प्लेटलेट्स का अटैचमेंट होता है, अधेशन शुरू होता है,
एग्रीगेशन शुरू होता है तो इसी के साथ इनका एक्टिवेशन और इनमें जो ग्रेन्यूल्स है उनमें प्रेजेंट कंटेंट का रिलीज भी शुरू हो जाता है। तो प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, उन ग्रेन्यूल्स में बहुत सारे मैसेंजर्स हैं और जब इनका अटैचमेंट अर्थात एडहेशन और एग्रीगेशन शुरू होता है तो दे स्टार्ट रिलीज ऑफ ग्रेन्यूलर कंटेंट। जो ग्रेन्यूल्स में कंटेंट प्रेजेंट है उनका रिलीज ये शुरू कर देते हैं। आगे आपको बताएंगे कौन कौन से कंटेंट रिलीज होंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और जब वो रिलीज होते हैं तो वो फर्दर प्लेटलेट्स के एक्टिवेशन और दूसरी जो प्रोसेसेस हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। ये किसके कैरेक्टर है प्लेटलेट्स का, इसका मतलब नेचर ने प्लेटलेट्स को ऐसा डिजाइन किया कि ये नेचुरली पार्टिसिपेट कर सकें हीमोस्टेसिस में। किसमें पार्टिसिपेट करें? हीमोस्टेसिस में। ध्यान रखेंगे तो ये बेसिक आपको प्लेटलेट्स के बारे में ध्यान रखना है, क्या रिलीज होगा, ये एडहेशन किस बेसिस पर होगा, ठीक है, जो फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं वो क्या रोल प्ले करेंगे, उनके बारे में भी हम लोग आगे जाने। जरा देखिए यहां पर ये आपको ग्रीन एरिया कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये शो किया जा रहा है कि हमारा जो ECM है वो एक्सपोज हो चुका है। जैसे एक्सपोजर होगा कौन अटैच होना शुरू हो गया, प्लेटलेट्स, देखिए अभी सिंगल लेयर नजर आ रही, ये हो गया एडहेशन, क्या हो गया। इसके बाद देखिए प्लेटलेट्स के ऊपर प्लेटलेट्स का ठीक है अटैचमेंट शुरू हो गया, ये क्या हो गया एग्रीगेशन, ठीक है। और इसके बाद फिर ब्लड कोगुलेशन भी शुरू होता है तो ये नेटवर्क बनने लगेगा, फिब्रिन का क्लॉट बन जाएगा, उसको आगे जानेंगे कैसे ये शुरू होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे हम लोगों ने एरिथ्रोपोइसिस के बारे में पढ़ा हुआ था कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, ठीक है, फिर वो डिफरेंशिएट होती है प्रोजिनेटर सेल्स, प्रोजिनेटर प्रीकर्सर में, देन वो इमैच्योर एंड मैच्योर। जरा इनको भी देख लीजिए, ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, कॉमन माइलॉइड होगा, माइलॉइड पाथवे से ही बनेंगे, ठीक है। ये है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है, इसके बाद CFU, EMG और कल हम लोग ई भी पढ़ रहे थे। देन इसके बाद क्या बन रहा है, मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट से प्रो मेगा कैरियोसाइट, देन सही कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। अब आप देखिए मेगा कैरियोसाइट में अमीबा की तरह कितने सारे एक्सटेंशन हैं, बाहर की तरफ एक्सटेंशन हैं, मेम्ब्रेन इरेगुलर नजर आ रही, ठीक है, इन्हीं से क्या रिलीज हो रहे हैं प्लेटलेट्स, ये ध्यान रखेंगे। मेगा कैरियोसाइट में भी आप देखें तो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, लेकिन प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं है, ये ध्यान रखोगे। जनरली आपको यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एग्जामिनर यदि क्वेश्चन हिमेटोपोइसिस से उठाएगा तो नॉर्मल हिमेटोपोइसिस पूछेगा, हिमेटोपोइटिक साइटोकाइन, या बहुत ज्यादा होगा तो इरिथ्रोपोइसिस, इनसे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। यदि प्लेटलेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनना होगा, यदि एग्जामिनर के दिमाग में है कि मैं प्लेटलेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊंगा तो नो डाउट 99.9% वो कोगुलेशन से हीमोस्टेसिस से ही क्वेश्चन बनाए, ये ध्यान रखोगे। अब आगे बढ़ा जाए, हमारा टॉपिक क्या है, हीमोस्टेसिस, ब्लड कोगुलेशन पढ़ना, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं प्लेटलेट्स, उनके बारे में भी आपने पढ़ लिया है, किसके प्रोडक्ट हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब पहला टर्म आता है हीमोस्टेसिस क्या है, एक टर्म है ब्लड कोगुलेशन, ठीक है, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, ब्लड कोगुलेशन, इस तरह के टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो एक टर्म कौन है हीमोस्टेसिस और दूसरा कौन है, जनरली क्लॉटिंग प्रोसीजर को स्टूडेंट ऐसा मान के चलता है वही ब्लड कोगुलेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लड कोगुलेशन एक डिफरेंट पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है हीमोस्टेसिस, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हीमोस्टेसिस का एक पोर्शन क्या है, ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, इसका इन्वॉल्वमेंट हो, और उससे पहले प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस प्रोसेस को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जिस हीमोस्टेसिस को हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो एक्चुअली में ब्लड कोगुलेशन नहीं है, ब्लड कोगुलेशन नहीं। तो ऐसा परसेप्शन बन जाता है स्टूडेंट का कि जो जैसे मैंने हीमोस्टेसिस शुरू किया वैसे स्टूडेंट को लगता है कि मैं पढ़ रहा हूं ब्लड कोगुलेशन। तो ब्लड कोगुलेशन
हीमोस्टेसिस का एक पार्ट है। क्या है? पार्ट। तो शुरू किया जाए, कौन सा टर्म है? हीमोस्टेसिस। ठीक है, मैंने अभी इसके बारे में कहा, हीमोस्टेसिस क्या है? डिफाइंड एज द प्रोसेस टू अरेस्ट ब्लीडिंग, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेस्कुलर सिस्टम। ये वो प्रोसेस है जिससे हमारी ब्लड वेसल से बाहर निकलने वाले ब्लड को रोका जाए। ठीक है, ब्लड लॉस को क्या किया जाए? रोका जाए, अर्थात जो ब्लीडिंग चल रही है उसे अरेस्ट कर लिया जाए, जिससे हमारे वेस्कुलर सिस्टम से ब्लड लॉस ना हो। यदि ऐसा हुआ तो ब्लड लॉस हो जाएगा वेस्कुलर सिस्टम से, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन, हमारा जो सर्कुलेशन है, ठीक है, उसमें जब ब्लड ही नहीं होगा तो सर्कुलेट क्या होगा? कई बार आपने सुना होगा या स्टडी किया होगा ज्यादा, यदि ब्लड लॉस हो जाए तो क्या हो जाएगी? डेथ भी हो जाएगी, क्योंकि आपका जितना भी ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट, ठीक है, या वेस्ट को इलिमिनेट करने के लिए जो सिस्टम है वो कौन सा है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। कब होगा तो ये कब होगा? ब्लीडिंग कब होगी? जब ब्लड वेसल्स क्या हो? डैमेज हो जाए। ब्लीडिंग अकर्स व्हेन ब्लड वेसल्स आर रप्चर्ड। ब्लड वेसल्स आर रप्चर्ड। और ये कैसे रप्चर होंगी? सब बता रहे हैं कैसे रप्चर होगी। बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी मेडिकल साइंस का नहीं बता पाएगा कैसे रप्चर होगी, बताइए। और आपको पता है रप्चर हो जाएगी, कैसे रप्चर हो जाएगी? सब बता रहे हैं एक एक तरीका। अरे रप्चर होने के हजार तरीके हैं। प्रेशर ही अंदर बढ़ गया तब भी क्या होगा? रप्चर हो जाएगी। यहां एक एक तरीका लिए बैठे हैं कि रप्चर हो जाएगी। तो रप्चर होने के तरीके हजार हो सकते हैं। आप गिर पड़े तो रप्चर हो जाएगी। आपको किसी ने काट लिया, आप उसे चिढ़ा रहे थे और उसने क्या किया? मजबूती से काट लिया, तो क्या होगी? तब भी रप्चर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, रप्चर कैसे होगी। जरा देखिए यहां पर, जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? रप्चर होती हैं। स्पेसिफिकली जो इंडोथेलियल सेल लेयर है, ठीक है, वो रप्चर होती है। इसी रप्चर होने के साथ बहुत सारी, कह सकते हैं, एक सीरीज शुरू होती है रिएक्शंस। रिएक्शंस की क्या होगी? सीरीज शुरू होगी, जिसका अल्टीमेट एंड होगा ब्लड क्लॉटिंग के साथ। इसके साथ ब्लड क्लॉटिंग के साथ। तो जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं तो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाती है। मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जब हम लोग उनको स्टडी करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि एक के बाद एक मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं, ठीक है, बायोकेमिकल्स रिएक्शन या बायो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसी बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं एक सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या होगा? शुरू होगा, जिसका अल्टीमेट एंड होगा क्लॉट के साथ। इसके साथ, और क्लॉट का मतलब है कि जो ब्लड लॉस हो रहा था उसे रोक लिया जाएगा। ब्लड लॉस को क्या किया जाएगा? रोक लिया जाएगा। जिन लोगों में ये कैपेबिलिटी नहीं होगी, उनका जो क्लॉटिंग सिस्टम है यदि वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो इस तरह की प्रॉब्लम जब आएगी, ठीक है, ऐसी कंडीशन में वो अपने ब्लड लॉस को रोक नहीं पाएंगे और हो सकता है उनकी डेथ भी हो जाए। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो ब्लीडिंग अकर्स व्हेन ब्लड वेसल्स आर रप्चर्ड। दिस इंजरी इनिशिएट ए सीरीज ऑफ इवेंट्स इन सीक्वेंस दैट फाइनली फॉर्म क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। दस हीमोस्टेसिस इज ए लाइफ सेविंग प्रोसेस दैट मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड बॉडी। ये हमारे लिए लाइफ सेविंग है, ठीक है, क्योंकि यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसमें इस तरह की जो कैपेबिलिटी नहीं है, उसका सिस्टम किसी न किसी कंपोनेंट का डिफिशियंट है, तो ब्लड लॉस होता रहेगा और धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारा ब्लड है वो लॉस हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो एक लाइफ सेविंग सिस्टम भी है, ये ध्यान रखेंगे। तो हीमोस्टेसिस के बारे में आपको पता है, हीमोस्टेसिस दो तरह का होता है। कितने तरह का है? एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी या फिर
टेम्परेरी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, और एक कैसा होगा सेकेंडरी जिसको डेफिनेटिव कहते हैं। टेम्परेरी भी है प्राइमरी अर्थात, ठीक है, टेम्परेरी और सेकेंडरी मतलब हो गया डेफिनेटिव, ध्यान रखेंगे। अब यहां एक डिफरेंस समझ दो, जो प्राइमरी है या जिसे हम लोग टेम्परेरी हीमोस्टेसिस बोलते हैं, इसमें पार्टिसिपेशन होगा प्लेटलेट्स का, इसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, और ये ट्रांजिएंटली थोड़ी देर के लिए ब्लड लॉस को रोक लेंगे, इनिशियली ब्लड लॉस को क्या करेंगे, तो जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं और ब्लड लॉस शुरू होता है, वैसे ही ये प्राइमरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, प्लेटलेट्स का, और ये ब्लड लॉस को रोक लेंगे, लेकिन ये परमानेंटली रोक नहीं पाएंगे। तो प्लेटलेट्स के थ्रू बनने वाले जो क्लॉट को, ठीक है, प्लेटलेट्स के थ्रू जो क्लॉट बन रहा है प्राइमरी स्टेज पर, यदि उसे मेंटेन ना किया गया तो फिर डेफिनेटिव क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है, और ब्लड लॉस नहीं रुकेगा। ठीक है, मैं थोड़ा दूसरे शब्दों में कह दूं, क्लॉटिंग में दो स्टेप आ रहे हैं, पहला है प्राइमरी और दूसरा है, प्राइमरी स्टेज पर पार्टिसिपेट करती हैं प्लेटलेट्स, ऐसा नहीं कि वो पार्टिसिपेट करने के बाद चले जाएंगे, ठीक है, तो पार्टिसिपेशन किसका होगा, और ये क्या करेंगे, ट्रांजिएंटली ब्लड लॉस को रोक लेंगे, इसी के साथ शुरू होगा सेकेंडरी, और ये इस क्लॉट को जो प्राइमरी लेवल पर क्लॉट बना है उसको बदल देगा। बताइए, डेफिनेटिव क्लॉटिंग में हीमोस्टेसिस में बदल देगा और फाइनली ब्लड लॉस को क्या किया जाएगा, रोक लिया जाएगा, उसके साथ ही शुरू होगा टिश्यू हीलिंग। ठीक है, उसके बाद क्या शुरू होगा, टिश्यू हीलिंग, जो इंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुई है वो डिवाइड होंगी और देन ब्लड वेसल को रिपेयर कर लिया जाएगा। जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है उसमें पार्टिसिपेशन होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स का, इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, आप सिंपली समझ लीजिए फिब्रिन का इन्वॉल्वमेंट होगा, फिब्रिन कन्वर्ट, ठीक है, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होगा किसमें, फिब्रिन में। तो आप ये समझ लें जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस है वो प्लेटलेट्स पर बेस्ड है और जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है, ठीक है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है क्लॉटिंग का या ब्लड वेसल से ब्लड लॉस को रोकने का, समझ में आ रहा है, लेकिन ये रैपिडली रिस्पॉन्ड करेगा और ब्लड लॉस को रोक लेगा, उसी के साथ ये भी रिस्पॉन्स शुरू होगा और इसे डेफिनेटिव होमोस्टेसिस में बदल देगा। ये समझ में आ रहा है, इट इज द इनिशियल स्टेज ड्यूरिंग विच टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग फॉर्म, यहां पर हम लोग जो क्लॉट बनेगा उसे हम लोग ब्लड क्लॉट ना बोल करके नाम देते हैं प्लेटलेट प्लग, ध्यान रखिएगा। तो प्राइमरी स्टेज पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है जो ब्लड लॉस को रोकेगा वो बना है प्लेटलेट्स का और उस कलेक्शन को कहते हैं प्लेटलेट प्लग, ध्यान रखेंगे। टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग एलोन कैन नॉट स्टॉप ब्लीडिंग फॉर ए, ध्यान रखोगे, कौन शुरू होगा, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, ए स्टेबल फिब्रिन क्लॉट इज फॉर्म फ्रॉम क्लॉटिंग फैक्टर्स बाई एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो एज ए स्टूडेंट आपको यह ध्यान रखना है जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस है उसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है प्लेटलेट्स का और वो प्लेटलेट प्लग बनाते हैं जो टेम्परेरी ब्लड लॉस को रोक देते हैं। ठीक है, इसके बाद साथ ही शुरू होता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जो बेस्ड है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पर। ठीक है, और ये कंप्लीटली क्या करेगा, जो हमारी ब्लड वेसल है उनको सील कर लेगा, ब्लड लॉस को रोक लेगा। ये समझ में आ रहा है, आगे बढ़ा जाए स्टेप्स ऑफ, अब आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी कि हीमोस्टेसिस को जब हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड कर लिया तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। कैसी रिएक्शन नहीं है, सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। बेसिकली हीमोस्टेसिस तीन स्टेप में कंप्लीट होता है, कितने स्टेप में, थ्री स्टेजेस, पहला है
वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा क्या है अर्थात प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, एंड थर्ड इज ब्लड कोगुलेशन, जिसे आप ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन कहते हैं वो तो हीमोस्टेसिस का थर्ड स्टेज है, तीसरा स्टेज। बस समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बहुत बेसिक से आप ये समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को जैसा मैंने पहले कहा कि ब्लड कोगुलेशन ओवरऑल प्रोसेस में उनको एक ही ठीक है स्टेटमेंट नजर आता है, कौन सा, सबको वो ब्लड कोगुलेशन ही समझते हैं, पूरे प्रोसेस को वो क्या कहते हैं ब्लड कोगुलेशन, और स्टूडेंट को लगता है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया, ब्लड कोगुलेशन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, एंड थर्ड इज, अब पहले की बात करते हैं वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है जरा सभी लोग ध्यान से समझिए, ये हमारी ब्लड वेसल है, ये इंडोथेलियल सेल्स हैं। जब भी कोई भी डैमेज होता है, मान लेते यहां पर डैमेज हो गया है, यहां पर हमारी मेम्ब्रेन्स क्या हो गई, डैमेज हो गई, और यहां से क्या शुरू हो गया, ब्लड लॉस शुरू हो गया। ऐसी कंडीशन में डैमेज के साथ ही जो सबसे पहला चेंज शुरू होता है विद इन सेकेंड, वो है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। इस ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, डायमीटर क्या होगा, कम हो जाएगा। डायमीटर कम करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि ब्लड लॉस कम होगा, तो जिस ब्लड वेसल में डैमेज होता है उसका क्या हो जाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे आगे ब्लड सप्लाई ज्यादा ना हो और ब्लड लॉस भी ज्यादा ना हो। ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, यह हमारी बॉडी यहां सप्लाई बढ़ा देगी, जल्दी से खाली हो जाए, बताइए। तो जिस ब्लड वेसल में डैमेज होगा उसमें क्या शुरू हो जाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड समय नहीं लगेगा, क्या शुरू होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, उसका जो डायमीटर है ठीक है ल्यूमेन जो साइज है डायमीटर, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम होगी, जिसके रिजल्ट में ब्लड लॉस भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये कैसे हुआ होगा ये भी तो क्वेश्चन है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक इवेंट है, या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फिनोमिना है पैथोलॉजी में, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी आपको चोट लग जाती है तो बहुत सारी स्वेलिंग हो जाती है ना, तो उसे इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। जब भी इस तरह का रिस्पॉन्स शुरू होता है तो वहां भी इनिशियल स्टेज पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, बाद में वेजो डायलेशन भी हो सकता है। इज द इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ, इमीडिएट रिस्पॉन्स है ठीक है, ड्यू टू दी वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, ये ध्यान रखोगे, डिक्रीज लॉस ऑफ एंड ऑल्सो हेल्प इन दी, अब वहां पर ब्लड सप्लाई ज्यादा है, ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, ज्यादा लॉस होगा, चार प्लेटलेट वहां पर चिपके वो बहा ले गया। अरे भाई ऐसा ही तो होता है ना, जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े पुल बह जाते हैं, तो यहां पर प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन, प्लेटलेट प्लग बनाना है, और ब्लड सप्लाई ज्यादा हो गया तो बार बार बह जा रहा है। तो टेक्निकली समझिए, ब्लड लॉस को कम करेगा, यदि उस एरिया में ब्लड लॉस, ब्लड फ्लो ज्यादा नहीं है, प्रेशर ज्यादा नहीं है, तो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इजिली हो जाएगा और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन भी आसान होगा, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट एजेंट है सीरोटोनिन। कौन है? सीरोटोनिन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब ब्लड वेसल्स डैमेज होती है तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कौन ट्रिगर करता है, तो मेजर एजेंट कौन है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स इज ड्यू टू एंड अदर, आपको इसे ध्यान रखना है सीरोटोनिन को, ठीक है, लिबरेटेड फ्रॉम दी दैट अधेयर टू दी वॉल ऑफ द डैमेज्ड वेसल्स, जहां पर डैमेज हुआ होगा वहीं पर ब्लड होगा, और जहां ब्लड होगा वहीं पर प्लेटलेट्स होंगी। समझ में आ रहा है? तो कहीं पर भी यदि डैमेज होता है तो यहां ब्लड ही तो है, ब्लड है तो क्या है, प्लेटलेट्स। जैसे ही डैमेज हुआ, जैसे ही ECM एक्सपोज हुआ, प्लेटलेट्स क्या हो गए,
चिपक गए वहीं पर, समझ में आ रहा है। और उनसे क्या रिलीज होने लगा, और ये ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स है उन पर एक्ट करता है और कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करा देता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है एक लाइन में ध्यान रखिएगा, और कौन सा एजेंट ट्रिगर करता है, सीरोटोनिन सिक्रीटेड फ्रॉम प्लेटलेट्स, किसे सिक्रीट हुआ, प्लेटलेट्स। कोई समस्या इसमें, तो पहला स्टेप क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिस्पॉन्स है हमारी ब्लड वेसल्स का, जिससे ब्लड लॉस को रोका जाता है इनिशियली, ठीक है। जब ज्यादा ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ज्यादा लॉस भी नहीं होगा, इसी के साथ दूसरी रिएक्शन शुरू होती। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, तो पहला स्टेप था और आपको वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट का नाम भी आपको पता चल गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यदि एग्जामिनर पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा कौन सा एजेंट कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कहां से सिक्रीट होता है। अब अगला स्टेप है हीमोस्टेटिक प्लग फॉर्मेशन, अर्थात प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, क्या बनना, सेकेंड स्टेप यही है ना। अब यहां से शुरू होती है प्राइमरी हीमोस्टेसिस, क्या शुरू हो रहा है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस, और प्राइमरी हीमोस्टेसिस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्लेटलेट का प्लग बनेगा, अर्थात प्लेटलेट्स की जो दो प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं वो हमारे एक्सपोज्ड ईसीएम के साथ अटैच होंगे, अधेशन होगा एंड देन प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होगा, और जब ये एग्रीगेट कर जाएंगे एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसे हम लोग प्लेटलेट प्लग बोलेंगे। कैसे शुरू होता है, ठीक है, उस पर हम लोग आ रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए टेम्परेरी हीमोस्टेटिक प्लग एट द साइट ऑफ इंजरी इज द फर्स्ट स्टेप इन द हीमोस्टेसिस दैट अकर्स वेरी क्विकली एंड स्टॉप ब्लीडिंग इंस्टेंटेनियसली एंड टेम्परेरली। द टेम्परेरी हीमोस्टेटिक प्लग कंपोज्ड ऑफ प्लेटलेट्स, यहां पर क्लॉटिंग फैक्टर की बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, क्लॉटिंग फैक्टर की कोई बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस है, और प्राइमरी में हम लोगों ने कहा था कि टेम्परेरी ब्लॉक करेगा, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अब ये प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, हम लोग उस पॉइंट पर आ रहे हैं, जरा यहां पर ध्यान से समझ, ये आपको ब्लड वेसल नजर आ रही है, ठीक है, ये क्या है, इंडोथेलियल सेल्स है, और ये यहां पर इसका ECM एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो देखिए जरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और जो इंडोथेलियल सेल की लेयर है वो क्या हो रही है, रप्चर हो गई। जैसे ही रप्चर होती क्या एक्सपोज होंगे, क्या एक्सपोज होगा, कोलेजन। प्लेटलेट्स का अटैचमेंट कैसे शुरू होता है, हम लोग इस पॉइंट पर हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन है, कोलेजन, उन्हें कोलेजन। तो जब इंडोथेलियल मेम्ब्रेन रप्चर हुई, रप्चर होने के साथ क्या एक्सपोज होने लगा, कोलेजन, स्पेसिफिकली कोलेजन को रिकॉग्नाइज करके बाइंड करते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स सर्कुलेट हो रहे हैं हमारे ब्लड में, और जब तक इनकी इंडोथेलियल, यहां पर देखिए ये जो इंडोथेलियल सेल लेयर है वो इंटैक्ट है जैसी है, और ये यहां पर जो ECM है, ठीक है, ये एक्सपोज नहीं हो रहा है, तो जब तक ये एक्सपोज नहीं होगा प्लेटलेट्स बाइंड नहीं होंगे। यहां पर जरा देखिए क्या हो गया, एक्सपोजर शुरू हुआ, जैसे ही हमारी इंडोथेलियल सेल लेयर रप्चर होती है उसी रप्चर होने के साथ क्या एक्सपोज होने लगा, सही है, कोलेजन। अरे भाई ECM में प्रेजेंट कोलेजन क्या होगा, एक्सपोज होगा, जैसे ही कोलेजन एक्सपोज होगा इन कोलेजन को रिकॉग्नाइज करके बाइंड करने लगते हैं, अटैच होने लगते हैं, कौन, प्लेटलेट्स। ये समझ में आ रहा है, यहीं से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अटैचमेंट क्या हो गया, शुरू हो गया, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बताइए, ये क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये ध्यान रखोगे। अभी यहां पर किसी भी क्लॉटिंग फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो,
प्लेटलेट्स खुद जाकर के क्या हो रहे हैं, अटैच होना शुरू हो गए। और ये अटैचमेंट किस पर बेस्ड है बताइए, ये अटैचमेंट किस पर बेस्ड है? कोलेजन पर। मुझे उम्मीद है आप लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं, ये अटैचमेंट बेस्ड है कोलेजन पर। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, एक फैक्टर है वॉन विलिब्रांड फैक्टर, ठीक है, और ये कहां प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में। कहां प्रेजेंट है? प्लाज्मा में। और ये रिलीज हो जाता है किसमें? टिश्यू में। मैं अटैचमेंट की बात कर रहा हूं। प्लाज्मा में एक फैक्टर प्रेजेंट है जिसे VWF कहते हैं, वॉन विलिब्रांड फैक्टर कहते हैं। नॉर्मली प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज हुई, एबी प्लाज्मा, भाई ब्लड लॉस होगा तो सेल भी जाएंगी और प्लाज्मा, तो जब ये मूव करता है डैमेज रीजन से, तो जो ये ECF है, इस ECF में अटैच होने लगता है कोलेजन के साथ। ये क्या होने लगता है? ट्रैप होने लगता है। तो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट वॉन विलिब्रांड फैक्टर जैसे ही रिलीज होकर के, जो डैमेज वेसल है उससे रिलीज होकर के हमारे ECM में आता है, तो ये यहां ट्रैप होने लगता है। समझ में आ रहा है? और यही ट्रैप्ड फैक्टर प्लेटलेट्स में प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। तो ये कौन सा फैक्टर है बताइए? और ये जो रेड कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ग्लाइकोप्रोटीन फर्स्ट बी है। अर्थात ऐसे समझिए, प्लेटलेट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसे हम लोग GP1B कहते हैं, और ये अटैच होने लगता है किस फैक्टर के साथ? बोन जो प्रेजेंट है ECM में। किसमें प्रेजेंट है ये फैक्टर? ECM में कैसे आया? क्योंकि ये प्रेजेंट था प्लाज्मा में, जब डैमेज हुई ब्लड वेसल, तब ये ECM में लीक होकर के पहुंच गया, रिलीज होकर के वहां पहुंच गया और अटैचमेंट शुरू हो गया। ये ध्यान रखेंगे, सर्व एज एन अधेशन ब्रिज बिटवीन सब इंडोथेलियल कोलेजन एंड द ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, फर्स्ट बी प्लेटलेट रिसेप्ट। तो जनरली आप ये कहेंगे कि प्लेटलेट्स कॉन्टेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं कोलेजन के साथ, लेकिन एक्चुअली में यहां पर जो इंटरेक्शन है प्लेटलेट्स का ECM के साथ, उसको मीडिएट कर रहा है वॉन विलिब्रांड फैक्टर जो प्रेजेंट है इसी मैट्रिक्स में, और प्लेटलेट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर। इस वजह से क्या शुरू हो गया? अटैचमेंट। अब जरा देखिए, ये सेल्स क्या होने लगे? अटैच होने लगे। जिस तरह से ये सेल यहां अटैच होने लगे हैं, यहां पर भी अटैच होने लगेंगे। इन्हीं सेल के साथ दूसरी प्लेटलेट्स आकर के क्या होने लगेंगी? अटैचमेंट, उनका अटैचमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये जो अटैचमेंट है इसे आप कहेंगे अधेशन, ये जो अटैचमेंट उसे क्या बोलेंगे? और जब इन्हीं सेल के साथ दूसरी प्लेटलेट्स आकर के अटैच होने लगेंगी उन्हें क्या बोलेंगे? ये समझ में आ रहा है? जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज हुई वैसे ही प्लेटलेट्स का अटैचमेंट शुरू हो गया ECM के साथ, स्पेसिफिकली कोलेजन के साथ। और ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है, और इस अधेशन के साथ साथ ही शुरू हो जाएगा एग्रीगेशन, और इस तरह से प्लेटलेट्स क्या होने लगेंगे? अटैच होने लगेंगे। किसके बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या हो गई? शुरू हो गई। ये रिस्पॉन्स यहीं तक लिमिटेड नहीं है। जब प्लेटलेट्स का अटैचमेंट शुरू होता है, जैसे ही ये ECM के साथ अटैचमेंट करते हैं, इनमें प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स भी डीग्रेन्यूलेट करने लगते हैं, और इनके ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट केमिकल मैसेंजर्स भी रिलीज होने लगते हैं। हम लोग इस पॉइंट को आगे बढ़ा के चल रहे हैं, ठीक है। तो जब प्लेटलेट्स का अधेशन और एग्रीगेशन शुरू होता है, तो इनके ग्रेन्यूल्स भी क्या होते हैं? डीग्रेन्यूलेट होने लगते हैं, इनके ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट कंटेंट भी रिलीज होने लगता है। उसमें से तीन केमिकल मैसेंजर्स बहुत इंपॉर्टेंट, एक है ADP, कौन है? सेकेंड इज प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, एंड थर्ड इज थ्रोम्बोक्सिन A2। तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? ADP, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, एंड थर्ड वन इज थ्रोम्बोक्सिन्स। थ्रोम्बोक्सिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दे आर इकोसानोइड्स। क्या है? आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कौन रिलीज हुआ? ADP। चलिए बात करते हैं थ्रोम्बोक्सिन की।
ये एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। तो जब ये रिलीज हुआ इसने भी कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू करा दिया। सीरोटोनिन की बात हम लोग पहले कर चुके हैं, थ्रोम्बोक्सिन, एडीपी एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, तीनों की बात कर रहे हैं। एक्ट ऑन नियर बाई प्लेटलेट्स टू एक्टिवेट देम विच इन टर्न एडिशन टू दी ओरिजिनल, ठीक है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। तो जब ये फैक्टर रिलीज होते हैं तो वहां सराउंडिंग में जो प्लेटलेट्स हैं जिनका अटैचमेंट नहीं हुआ है, जो सर्कुलेशन में प्रेजेंट है, उन पर एक्ट करते हैं, ठीक है, और उन्हें एक्टिवेट करते हैं और वो उनका अटैचमेंट भी शुरू हो जाता है और प्लेटलेट्स आकर के यहां पर क्या होने लगते हैं, अटैच होने लगते हैं, अर्थात ये फर्दर प्लेटलेट्स को रिक्रूट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। इस तरह से क्या बन जाएगा, प्लेटलेट प्लग बन जाएगा। कोई समस्या इसमें बताइए। ये दुख की बात है, आपको मजा नहीं आ रहा कि ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, हो जाना चाहिए, इस वजह से दुखी है। ये समझ में आ रहा है बताइए, कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। प्राइमरी स्टेज पर प्लेटलेट प्लग बनना है, कैसे बना, रप्चर के जैसे ही ब्लड वेसल्स हमारी रप्चर होती है, ईसीएम एक्सपोज हुआ, स्पेसिफिकली कोलेजन, कोलेजन को रिकॉग्नाइज करके कौन बाइंड होने लगे, बताइए प्लेटलेट्स, इनके बाइंडिंग से ही ये एक्टिवेट भी होते हैं और अपने जो कंटेंट हैं जो वेसिकल्स में उनको रिलीज भी करते हैं, उसमें प्रेजेंट है एडीपी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड थ्रोम्बोक्सिन स्पेसिफिकली A2। ये ध्यान रखेंगे, ये फैक्टर्स क्या करते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं और फर्दर जो प्लेटलेट्स हैं सराउंडिंग्स में उनको एक्टिवेट करते हैं और यहां पर एग्रीगेशन शुरू हो जाएगा जिसके रिजल्ट में प्लेटलेट प्लग बनेगा। बस ये फैक्ट एक और है कि अटैचमेंट के लेवल पर आपको और ध्यान रखना है कि स्पेसिफिकली इस अटैचमेंट को कौन मीडिएट कर रहा है। तो ग्लाइकोप्रोटीन एक रिसेप्टर है प्लेटलेट के सरफेस पर जिसे IB कहते हैं और VWF फैक्टर, ठीक है, वो ECM के कॉन्टेक्ट में जो एक्चुअली में रिलीज हुआ है प्लाज्मा से, ठीक है, जब ब्लड वेसल डैमेज हुई। ये ध्यान रखोगे सभी लोग, ये ध्यान रखेंगे तो क्या बन गया, टेम्परेरी प्लग बन गया, ठीक है। अब यहां पर समझिए थोड़ा सा, इसको पढ़ाने से पहले मैं यहां पर तुम्हें समझा दूं, ये प्लेटलेट्स यहां पर हैं, ये सेल्स ही तो हैं। प्लेटलेट्स क्या हैं, सेल्स हैं, ठीक है, ये उतना स्टेबल प्लग नहीं बना पाते हैं, ये लूज प्लग है। कैसा है, लूज है। यदि ब्लड का प्रेशर और बढ़ा तो ये यहां से बह जाएगा, टूट के निकल जाएंगी सेल और फिर ये ओपन हो जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यदि हम लोग यहां पर इनको एक रस्सी के जाल से लपेट दें तो क्या होगा, एक पूरा रस्सियों का एक क्या बना दिया, जाल बना दिया और उसमें सेल को ट्रैप कर लिया, तो क्या आसानी से ब्रेक होकर के अलग होंगे, ब्रेक होकर के अलग नहीं होंगे, समझ में आ रहा है। और ये जाल किसका बना होगा, किसका बना होगा, फिब्रिन का, समझ में आ रहा है। तो हम लोग तीसरी स्टेज पर चल, कौन सी स्टेज पर, तो जो प्लेटलेट प्लग बना है ये परमानेंट नहीं है, लेकिन यदि हम लोग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिब्रिन तो प्रोड्यूस होंगे फिब्रिनोजन से, ये तो इनएक्टिव प्रोटीन है प्लाज्मा में प्रेजेंट है, और इनका पॉलीमराइजेशन कैसे शुरू होगा, उस पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो प्लेटलेट प्लग बना है ये एंड नहीं है, बल्कि इसी के साथ इसको डेफिनेटिव प्लग बनाने के लिए एक रिएक्शन और शुरू होती है जिसे आप नाम देते हैं ब्लड कोगुलेशन। इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, कौन पार्टिसिपेट करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स। आगे बढ़ा जाए तो तीसरा स्टेज कौन है, ब्लड कोगुलेशन या फिर क्लॉट फॉर्मेशन, क्या कहते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है, या सिंपली क्लॉटिंग कह देते हैं, क्या कहते हैं, क्लॉटिंग। ये तीसरा स्टेज आ रहा है, ठीक है, ब्लड कोगुलेशन और क्लॉटिंग।
इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड इनटू सॉलिड जेल कॉल्ड ए क्लॉट, या फिर उसे हम लोग थ्रोम्बस भी कहते हैं, विच क्लॉट कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रोटीन पॉलीमर नोन एज, बताइए फिब्रिन। ध्यान रखोगे जो तीसरा स्टेज है जिसमें हम लोग ब्लड कोगुलेशन कह रहे हैं, ये ब्लड कोगुलेशन प्रोड्यूस होगा फिब्रिन प्रोटीन के पॉलीमराइज होने से। और फिब्रिन प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन कैसे शुरू होगा, ये रिएक्शन कैसे शुरू होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लेटलेट्स डैमेज के रिस्पॉन्स में अटैच होने लगे, उसी तरह से ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये समझ में आ रहा है। द क्लॉट बिगिंस टू डेवलप इन 15 टू 20 सेकेंड। तो एक तरफ प्लेटलेट का एग्रीगेशन चल रहा है, एक तरफ प्लेटलेट्स अटैच हो रहे हैं और प्लेटलेट प्लग बना रहे हैं, लगभग मोर और लेस उसी समय पर एक्टिवेट हो जाता है ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस, ये भी एक्टिवेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि जो प्लेटलेट्स का प्लग बनना है जब वो खत्म हो जाएगा और देन इसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसा नहीं। डैमेज के साथ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड नहीं लगेगा, जैसे ही डैमेज हुआ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, उसी के साथ शुरू हो गया प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के पैरेलली ही लगभग शुरू हो जाता है। तो ऐसा मत समझे कि हम लोग तीसरे स्टेज पर आ रहे हैं तो आपके कॉलेज की तरह एक घंटी बजेगी कि एक ठीक है एक क्लास ओवर हो गई, अब दूसरी क्लास आएगी जिसमें टीचर बाहर निकलेगा, प्रोफेसर आपका दूसरा प्रोफेसर आएगा, वो वाला नहीं है। यहां पर भी घंटी बजेगी और तब जाकर के इनको आवाज सुनाई पड़ेगी तो ये इन्वॉल्वमेंट होगा। मोर और लेस पैरेलली समझिए शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। कितना समय लगेगा, यदि डैमेज सीवियर है ऐसा है तो 15 से 20 सेकेंड में ये प्रक्रिया क्या होगी, शुरू हो जाएगी। और सीवियर नहीं है, चिंता की बात नहीं है, तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा लेट हो जाएगा। जैसे आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा चल रहा आपका और आपको उसने काट लिया और आपका ब्लड वेसल रप्चर हो गया, ब्लड वेसल क्या हो गया, रप्चर हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसी बात पर क्यों बार बार बोल रहे हैं कि काट लिया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तीन या चार लड़ाइयां देखी हैं और उसमें मैंने ये देखा कि जो जीतने वाला था वो आखिरी इंड पर अचानक हार गया, जो जीतने वाला था वो इंड पर कैसा हो गया, हार गया, क्योंकि जो मार खाने वाला तो बेहद कमजोर था लेकिन वो आखिरी में जीत गया। क्यों जीत गया, क्योंकि उसने अपने दांत निकाले और काट लिया। तो जब आप लड़ाई करते हैं तो जब कोई तुम्हें काट लेगा, वैसे तो करना ही नहीं, काट लेता है तो वहां ब्लड लॉस नहीं होता है, ब्लड लॉस नहीं होगा, तुम्हें बताएंगे क्यों नहीं होगा, उतना ब्लड लॉस नहीं होता, उसके कई कारण होते हैं। लेकिन यदि आप घर में यदि सब्जी वाले चाकू से काम कर रहे हैं, सब्जियां काट रहे हो, थोड़ा सा भी छूजा है तो आपने देखा होगा काफी देर तक ब्लड लॉस होता है। तो जब आपका आपकी ठीक है स्किन में कहीं पर भी कम चोट लगेगी और आप ज्यादा शांत भाव में काम कर रहे हैं, आपको चिंता नहीं, तो ब्लड लॉस ज्यादा है, और जब आप लड़ाई चल रही है तो ब्लड लॉस कम है। आगे तुम लोगों को बताएंगे, ठीक है, वो फाइट और फ्लाइट रिएक्शन इमरजेंसी हार्मोन में उन सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो जरा देखिए यदि सीवियर डैमेज है, बताइए तो 15 से 20 सेकेंड में, और यदि सीवियर डैमेज नहीं है एक से दो मिनट में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ दैट प्रेजेंट इन, बताइए प्लाज्मा में प्रेजेंट है और इनएक्टिव फॉर्म में है। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा अंतर कर लीजिए, जो टेम्परेरी हीमोस्टेसिस की हम लोग बात कर रहे थे, प्राइमरी हीमोस्टेसिस में उसमें पार्टिसिपेशन हुआ प्लेटलेट्स का, ठीक है, ध्यान रखोगे। जब हम लोग सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में आते हैं तो ये डिपेंड करता है एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, किस पर डिपेंड है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं और इनएक्टिव फॉर्म में इसमें है और इनका एक्टिवेशन होना है। तो एज ए स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन ये होगा कि जब ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी
तो इन क्लॉटिंग फैक्टर्स का एक्टिवेशन कैसे शुरू होगा, ठीक है। उसी के साथ एक क्वेश्चन ए भी होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं और किस सीक्वेंस में उनका पार्टिसिपेशन, ये समझ में आ रहा है। तो जो ब्लड कोगुलेशन है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है एक्टिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, इन क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्मेशन में क्लॉटिंग फैक्टर्स का, ठीक है, इन्वॉल्व होना, एक्टिवेट होकर के उस प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए, क्लॉट फॉर्मेशन या ब्लड कोगुलेशन। आगे बढ़ा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन, क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, आपके बिहेवियर के तो जस्ट अपोजिट है, बड़ी लिस्ट है, आप दो नाम याद नहीं रख पाते, कल आप ये भी भूल जाएंगे कल पढ़ा क्या था, तो ये नाम याद करना आपके लिए काफी मुश्किल होगा, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं मुश्किल को ही आसान कर देता हूं क्योंकि मैं सारी चीजें भूल जाता हूं, तो जब मुझे एक ही फैक्टर, मुझे ब्लड कोगुलेशन का ही नाम याद नहीं रहेगा तो इसकी भी चिंता नहीं, ठीक है। लोग, मैं अक्सर कहता हूं, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ठीक है, नो टेंशन, यही बोलते हैं ना, कोई टेंशन नहीं, पढ़ो नहीं तो क्या, कोई टेंशन नहीं, पढ़ने वाले को टेंशन, कहीं भूल तो नहीं गए हैं। चलिए जरा देखिए, एक लंबी लिस्ट है, ठीक है, आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है फैक्टर 13, झांक के देखने की जरूरत पड़ रही है, लिस्ट काफी बड़ी नजर आ रही ना, लिस्ट बड़ी जरूर है लेकिन आप चिंता ना करें, मैं पढ़ा आसानी से लूंगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है मैं किनको पढ़ा रहा हूं। देखिए जरा, फैक्टर फर्स्ट, फैक्टर सेकंड, फैक्टर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, इस तरह से इनको रोमन में नंबर दे दिया, सभी फैक्टर्स को नाम भी दिए गए हैं, सभी फैक्टर्स को नाम दिए गए हैं, बहुत सारे फैक्टर्स का नाम दिया गया है, वो किस पेशेंट में खोजे गए, किस फैमिली में मिले, कोई फ्लेचर फैमिली में मिला तो उसे फ्लेचर नाम दे दिया, फ्लेचर फैक्टर, हाँ ऐसा ही है। तो ये तो फैक्टर्स हो गए रोमन में, फैक्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और उनके अपने साइंटिफिक नाम भी हैं, उनको किसने डिस्कवर किया उसके नाम पर भी हो सकते हैं, और किस पेशेंट में पाए गए या फैमिली में पाए गए उस फैमिली के बेस पर भी इनको नाम दे, ठीक है। जरा देखिए, फैक्टर फर्स्ट को क्या कहते हैं, तो फिब्रिनोजन, जिसे हम लोग बार बार बोलते रहते हैं, ये कौन सा हो गया, फैक्टर फर्स्ट, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, इसे क्या बोलते हैं, फैक्टर सेकेंड। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, बताइए, फैक्टर थर्ड। फैक्टर फोर्थ क्या है, इसको ध्यान रखिएगा, क्या है, कैल्शियम, ये सभी लोग ध्यान रखोगे। इसके बाद फैक्टर फिफ्थ, ये क्या है, प्रो एसेलरिन, एसेलरेशन टर्म आता है ना, ये प्रमोट करता है प्रोसेस को, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फैक्टर, तो लोग भावुक हो जाते हैं, फैक्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट चले जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कौन सा फैक्टर नहीं, कौन सा नहीं है, सिक्स नहीं है, और जो फोर्थ फैक्टर वो है, वो कौन है बताइए, ठीक है, सेकेंड कौन है और फर्स्ट कौन है, थर्ड कौन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये ध्यान रखेंगे। जो फैक्टर फिफ्थ है वो प्रो एसेलरिन है, सिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, फैक्टर सेवन क्या है, प्रो कन्वर्टिन, फैक्टर एट जिसे आप एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए भी कहते हैं, ये ध्यान रखोगे। फैक्टर नाइन कौन है, क्रिस्टमस फैक्टर, ठीक है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, ठीक है। फैक्टर टेन तो बहुत ही फेमस है, सारी कहानी इसी के राउंड घूमती है, ठीक है, स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर,
फैक्टर 10 कौन है, ध्यान रखोगे, ये आपको ध्यान रखना है। किस नंबर का है, एक बार मैं एक मूवी देखने गया तो उसमें एक डायलॉग बोल रहा था कि मेरा बाप एक नंबर ही था और मैं 10 नंबर ही हूं, क्या हूं, ऐसा बोल रहा था। बहुत पुरानी मूवी थी देवानंद की, तो उसमें मैंने सुना था। तो ये कौन सा है, 10 नंबर का है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पूरी लिस्ट में कौन है, कहानी यही 10 नंबर ही से शुरू होगी, कहां से शुरू होगी, और इंड यहां से होगा, कहानी किससे शुरू होगी। कई लोग बहुत यहां पर कि यहां से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं, कहानी शुरू होगी 10 नंबर से और खत्म कहां से होगी, एक नंबर पर। पूरी लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, इसी 10 नंबर ही को एक्टिवेट करने के अराउंड सारी कहानी घूमेगी, ध्यान रखोगे। और 10 नंबर ही कौन हो, है कौन, ध्यान रखोगे। उससे पहले वाला फैक्टर 9 नंबर वाला कौन है, समझ में आ रहा है, कौन सा है, उससे पहले कौन है, ठीक है। इसके बाद आते फैक्टर 11, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी भी कहा जाता है। और इसके बाद फिर फैक्टर है 12, बताइए कौन सा है, हेजमैन फैक्टर, हेजमैन मर गए थे इसी चोट लगने से, ब्लीडिंग शुरू हो गई, मर गए, बाद में पता चला कि इस प्रोटीन की डिफिशियंसी से मर गए थे, तो उनके शहीद होने के बाद उनको उनके नाम पर ही इस फैक्टर को नाम दे दिया हेजमैन, ये पेशेंट के नाम पर है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद कौन है, फैक्टर 13, इसको फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है, इसको लकी लोरेंट फैक्टर भी बोला जाता है, सिक्रीटेड फ्रॉम प्लेटलेट्स। इसके बाद हाई मॉलिकुलर वेट, हाई मॉलिकुलर वेट कैलीक्रेनिन, समझ में आ रहा है, ठीक है, किनिनोजन, सॉरी, हाई मॉलिकुलर वेट किनिनोजन, कैलीक्रेनिन तो प्री, तो ये जो हाई मॉलिकुलर वेट किनिनोजन है, ठीक है, इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे पाथवे में, ये ध्यान रखोगे। तो फैक्टर 13 तक तो हो गया, ठीक है, जो फैक्टर 13 है इसे फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, यहां से आपको ध्यान देना है। इसके बाद HMWK हाई मॉलिकुलर वेट किनिनोजन, और उसके बाद है कैलीक्रेनिन, इसे प्री कैलीक्रेनिन, ठीक है, या फ्लेचर फैक्टर कहते हैं, क्या नाम देते हैं, एक फैमिली है जिसमें इसकी डिफिशियंसी थी, उनको उस फैमिली के नाम पर फ्लेचर फैमिली थी, तो नाम दे दिया, बताइए फ्लेचर फैक्टर, ध्यान रखेंगे, ठीक है, के ए इसी को क्या कहते हैं, कैलीक्रेनिन। इतने सारे फैक्टर हो गए, तो पहला हो गया फिब्रिन, दूसरा हो गया प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा हो गया टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा हो गया कैल्शियम, ध्यान रखेंगे, ऐसे अलग अलग स्टेशन के हिसाब से याद कर लीजिएगा, ध्यान रखोगे। इसके बाद फैक्टर 9, फैक्टर 10 एंड फैक्टर 12, ये ध्यान रखोगे। फैक्टर 10 कौन है, स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर, ये ध्यान रखोगे, अभी डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप इसे याद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फिर भी चलिए। यहां पर हाई मॉलिकुलर वेट किनिनोजन, देन कैलीक्रेनिन, ये दो नाम याद रखना है, ठीक है, और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, इसे फैक्टर 13 कहते हैं, इसको भी आगे हम लोग देखेंगे इसका रोल क्या है, ठीक है। सारी कहानी किसके अराउंड शुरू होगी, बताइए सारी कहानी किससे शुरू होगी, देखो अब यहां ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूं। जब चोट लग गई, चोट लगने के बाद जो फैक्टर 10 है ये सो रहा होगा, पुरानी खटिया पर लेटा होगा, अरे भाई करोड़ों साल पहले इवॉल्व हुआ, उस समय तो पुराने हो गए होंगे, तो वहां पर लेटा होगा, इसे जगाया जाएगा, किस फैक्टर को, फैक्टर 10 को एक्टिवेट किसे करना है, एक दूसरे से बात ना करें जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दें। मैं अक्सर ही कहता हूं कि आप किस लेवल में, किस लिस्ट के
मेंबर आप लोग हैं और फिर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर मैं कैसे समझा पाऊं कौन सा फैक्टर, फैक्टर 10 ध्यान रखेंगे, किसको एक्टिवेट करना है फैक्टर 10 पे, फैक्टर 10 एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को, किसको प्रोथ्रोम्बिन, सभी लोग ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, फैक्टर 10 ही एक्टिवेट करेगा और ये प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में, इसमें थ्रोम्बिन क्या करेगा जो फिब्रिनोजन है, फिब्रिनोजन इसे कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में, और जैसे ही फिब्रिन बनेंगे फिब्रिन पॉलीमराइज कर लेंगे क्लॉट बना देंगे, तो क्लॉट कौन बनाएगा, ठीक है क्लॉट कौन बनाएगा, फिब्रिन प्रोड्यूस किससे होगा, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में तोड़ेगा कौन, और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कौन करेगा, ध्यान रखेंगे ये फैक्टर कौन हो गया बताइए, फर्स्ट, ये कौन हो गया बताइए सेकेंड, और ये कौन हो गया, ये लास्ट वाले हैं। अब यहां पर क्वेश्चन है इसे जगाएगा कौन, इसे एक्टिवेट कौन करेगा, फिर एक बार समझ ले सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना है इन रिस्पॉन्स ऑफ डैमेज इन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में यदि डैमेज होगा उसके रिस्पॉन्स में एक्टिवेशन किसका होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट को लगता है ये कॉम्प्लेक्स है, ये बेहद आसान है, फैक्टर 10 प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन एक प्रोटीएज एंजाइम है दैट कैटालाइजेस क्लीवेज ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, फिब्रिन पॉलीमराइज एंड फॉर्म ब्लड क्लॉट, तो ब्लड क्लॉट कौन बनाएगा फिब्रिन, तो आपको फिब्रिन प्रोड्यूस करना है फिब्रिनोजन, ठीक है, और ऐसा करने वाला कौन है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन को कौन एक्टिवेट करेगा, ठीक है ध्यान रखेंगे। चलिए यहां पर देखिए, अब इसको कौन एक्टिवेट करेगा, तो इसको एक्टिवेट करने के दो रास्ते हो सकते हैं, कितने रास्ते हो सकते हैं, एक को इंट्रिंसिक पाथवे कह सकते हैं, दूसरे को एक्सट्रिंसिक पाथवे कह सकते हैं, ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, इसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज आने लगे कि उठ जाओ एक्टिवेट हो जाओ, जैसे आप सो रहे होते अचानक आपकी आंख खुल जाती है, या पिताजी जब दाएं हाथ दाएं पैर वाला लेके आते हैं तभी आप जगते हैं, बताइए तो दो तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, कौन कौन से, अब ये समझ में आ रहा है, तो जब ब्लड कोगुलेशन पढ़ते हैं तो दो पाथवेज के नाम आ जाते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, स्टूडेंट को लगता है दोनों पाथवेज अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली में ये दो पाथवे फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के लिए, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कितने पाथवेज हैं, दो पाथवे, एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक और दूसरे को कहते हैं इंट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक का डिफरेंस इस पर नहीं है कि फैक्टर 10 स्वतः एक्टिवेट हो गया या कोई बाहर का फैक्टर एक्टिवेट करेगा, ये इस पर बेस्ड नहीं है, एक्चुअली में सारे फैक्टर कहां पाए जाते हैं, हाँ कुल बोले बॉडी में, बॉडी में तो सब कुछ पाया जाता है, प्लाज्मा में, कहां पाए जाते हैं प्लाज्मा में, ठीक है सभी लोग ध्यान से समझिए, कहां पाए जाते हैं प्लाज्मा के ही फैक्टर्स, इनका एक्टिवेशन यदि करते हैं तो इंट्रिंसिक अर्थात इसके एक्टिवेट करने के लिए जो भी फैक्टर्स चाहिए वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर कहां पर हैं प्लाज्मा में, और इनको एक्टिवेट करने के लिए जो चाहिए वो भी प्लाज्मा में है, इस वजह से कहते हैं इंट्रिंसिक अर्थात वहीं पर है, ठीक है, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है इसका नाम इस वजह से एक्सट्रिंसिक है क्योंकि इस पाथवे में फैक्टर 10 को जब एक्टिवेट करना होगा तो एक बाहरी फैक्टर इन्वॉल्व होगा जो हमारे टिश्यू से रिलीज होगा, वो ब्लड में प्रेजेंट नहीं है अर्थात प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं है, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी और टिश्यूज एक्सपोज होंगे उन टिश्यूज से सिक्रीट होगा एक फैक्टर,
ठीक है, और वो शुरू करेगा एक एक्टिवेशन रिएक्शन, जिसके रिजल्ट में कौन एक्टिवेट होगा तो क्या नाम देंगे? कोई समस्या इसमें बताइए, कोई समस्या इसमें? तो कितने पाथवेज हैं? दो पाथवे, ठीक है। एक कौन है? अब ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म क्या होगा जो अभी बताया उसी बेस पर। स्टुअर्ट प्रॉबर फैक्टर कौन सा फैक्टर है? फैक्टर 10। कौन है? फैक्टर 10। कहानी किससे शुरू होगी? फैक्टर 10 से। सभी लोग ध्यान से समझिएगा, पूरा जो मैकेनिज्म है वो बेस्ड है किस पर? फैक्टर 10 पर। जो मैं पढ़ा चुका हूं वही बोल रहा हूं, अब वही जो मैं पढ़ा रहा था वो अंग्रेजी में लिखा हो। तो सबसे पहले किसे एक्टिवेट करना है, तो इसको डिवाइड कर लिया तीन स्टेप में। फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। थ्रोम्बिन बनाएंगे किससे? प्रोथ्रोम्बिन से। और फिब्रिन बनाएंगे किससे? लास्ट में बताया था ना। तो एक्टिवेट किया फैक्टर 10 को, उसने एक्टिवेट किया बताइए प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन में फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर दिया फिब्रिन ने, ठीक है। और फिब्रिन क्या बना लेगा? क्लॉट बना लेगा। तो देखिए तीन स्टेज में डिवाइड कर दिया, यही तो पढ़ना है। इसको एक्टिवेट कौन करेगा? तो इसको एक्टिवेट करने के कितने रास्ते? दो रास्ते। कौन कौन से बताइए, कौन कौन से पाथवे? इंट्रिंसिक और एक्टिवेशन ऑफ स्टुअर्ट प्रॉबर फैक्टर, अर्थात फैक्टर एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 इज द की टू ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। इसका जो एक्टिवेटेड फॉर्म है फैक्टर 10 का, उसे हम लोग 10A कहते हैं। जो A है वो स्टैंड करता है एक्टिवेशन के, इसके लिए, ठीक है। तो जो फैक्टर हमारे सर्कुलेशन में है वो इनएक्टिव फॉर्म में, कैसे हैं? वो तभी एक्टिवेट होंगे जब ब्लड कोगुलेशन होगा, ठीक है। और ब्लड कोगुलेशन की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब डैमेज आएगा, जब ब्लड वेसल क्या होगी? डैमेज होगी। तो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसी इनएक्टिव फैक्टर 10 को जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो हम लोग इसको 10A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। क्योंकि फैक्टर 10 ही तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें? थ्रोम्बिन में। तो इसको हम लोग प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी कह सकते हैं। एज इट एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन टू फॉर्म थ्रोम्बिन, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हो सकते हैं, वन इज इंट्रिंसिक, सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये ध्यान रखोगे कौन कौन से पाथवे हैं, तो एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10, ठीक है। मैं इस पर क्यों थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि यही हम लोगों का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो कोगुलेशन है फिब्रिन का, ठीक है, फाइब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्ट होना, क्लॉट बनना, ये बेहद आसान। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर किस सीक्वेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन होगा। कौन किस पाथवे में पार्टिसिपेट करेंगे, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो सेंट्रल इवेंट कौन है? एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10। स्टुअर्ट प्रॉबर फैक्टर एक्टिवेशन ही सेंट्रल इवेंट है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन कौन से पाथवेज हो सकते हैं? इंट्रिंसिक, और दूसरा क्या हो सकता है? ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है और एक इंट्रिंसिक पाथवे, दो पाथवे हो सकते हैं, और दोनों फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इंट्रिंसिक क्यों कह रहे हैं जरा समझिए, यहां पर एक्टिवेशन के लिए जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे दे प्रेजेंट इन प्लाज्मा, किसमें प्रेजेंट है? और एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर एक इन्वॉल्व होगा जो प्लाज्मा में नहीं है बल्कि वो बाहर से आएगा, ध्यान से समझिएगा। टिश्यू डैमेज के बजाय, ठीक है, ब्लड वेसल, जैसे ही ब्लड वेसल क्या होगी? डैमेज होगी, टिश्यूज एक्सपोज होंगे, ठीक है। उस डैमेज के रिस्पॉन्स में टिश्यूज से सिक्रीट होता है एक फैक्टर
जिसे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। क्या नाम देते हैं? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ध्यान दीजिएगा, कौन सिक्रीट होगा और यह रिएक्शन को इनिशिएट कराएगा, ये रिएक्शन को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। दूसरी तरफ इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर ट्वेल्व ये पाथवे को इनिशिएट कराए, ठीक है। फैक्टर टेन को एक्टिवेट करने के दो रास्ते हैं, जैसे आप लोग इम्यूनोलॉजी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, क्लासिकल पाथवे, एमबीएल पाथवे और लेक्टिन पाथवे, तीन पढ़ते हैं, ठीक है। और तीनों पाथवे मर्ज हो जाते हैं C3 पर आकर, उसी तरह से ये दोनों पाथवे मर्ज होंगे किस पर, फैक्टर 10 पर। इन दोनों पाथवेज का एम किसे एक्टिवेट करना है, फैक्टर 10 को। और फैक्टर 10 के बाद की प्रक्रिया आपको पता है क्या है, ठीक है। तो सेंट्रल इवेंट तो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना है, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के दो रास्ते हो सकते हैं, उन्हीं को नाम दे दिया है इंट्रिंसिक और, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे एक्चुअली में इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इस पाथवे में जो इनिशियल कंपोनेंट है जो इस कैस्केड रिएक्शन को स्टार्ट करेगा उसे, वो प्रेजेंट है विद इन प्लाज्मा। और यहां पर एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो इस कैस्केड रिएक्शन को शुरू करेगा वो एक्चुअली में प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि टिश्यू डैमेज के बाद वो रिलीज होने वाला है टिश्यू से। कहां से रिलीज होने वाला है और उसका नाम क्या है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ध्यान रखिएगा। जबकि आप जो फैक्टर्स पढ़ चुके हैं उनमें टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं पढ़ा, आपने प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन का नाम सुना है, ठीक है। किसमें क्या नाम सुना है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। देखिए जहां ये सेकेंड वाला फैक्टर छोड़ करके ये कौन सा है, सही है? अरे भाई सेकेंड छोड़ दें, कौन सा है फैक्टर 11, कौन सा है प्लाज्मा बताइए। मैंने सेकेंड वाले को छोड़ दीजिए, ठीक है। क्या लिखा है, सॉरी थर्ड वाला, सेकेंड में बार बार कह रहा हूं इसी वजह से कंफ्यूजन, थर्ड को छोड़ दीजिए, कौन है, ठीक है, प्लाज्मा, ये ध्यान रखोगे तो। प्लाज्मा का मतलब है कि ये प्रेजेंट है किसके साथ, क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ। और ये जो सेकेंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर है वो प्रेजेंट नहीं है किसमें, प्लाज्मा में। तो कई बार थ्रोम्बोप्लास्टिन टर्म आता है, स्टूडेंट इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि टिश्यू की बात हो रही है या प्लाज्मा की। तो कहां से सिक्रीट होगा, प्लाज्मा, यदि थ्रोम्बोप्लास्टिन है तो उसका वो प्रेजेंट है विद इन प्लाज्मा, और टिश्यू है तो वो कहां से आएगा, टिश्यू, और टिश्यू से तभी आएगा जब मेम्ब्रेन रप्चर हो, टिश्यू एक्सपोज हो, ये समझ में आ रहा है। अब आपके सामने कैस्केड रिएक्शन है, यदि इंट्रिंसिक पाथवे शुरू होगा तो किस सीरीज में फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, किस सीरीज में फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा बताओ, तो पढ़ाई की तरह पढ़ाएं जैसा आप पढ़ते आए हैं, या फिर बताओ इंडियन स्टाइल में पढ़ा दें जैसा आप बताइए। हाँ इंडियन, देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं इंडियन स्टाइल, देसी स्टाइल बताओ, तो अंग्रेजी में पढ़ा दें कॉलेज वाला, ठीक है, या फिर कहो इंडियन स्टाइल में पढ़ा दें। कुछ लोग कह रहे गांव वाला, अरे भैया इंडिया का 70% लोग कहां बसते हैं, गांव में, तो इंडिया का स्टाइल मतलब गांव का स्टाइल, तो गांव स्टाइल में बताइए, फिर बिहारी स्टाइल में पढ़ा दें। वो मैंने एक दिन देखा था एक मैथमेटिक्स के टीचर, मैं तुमसे क्या कहूं, ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, वो केवल लुंगी लगाए हुए थे, रियल बता रहा हूं, वो लुंगी लगाए थे, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे और कुछ नहीं पहने हुए थे, लुंगी लगा के पढ़ा रहे थे। तो हमने कहा ये असली टीचर हैं, ठीक है, भारत रत्न है ये। बताओ कैसे पढ़ाएं अंग्रेजी में, कौन से एक्टिव फैक्टर को एक्टिवेट करना है,
फैक्टर 10 को, ठीक है, किसको एक्टिवेट करना है, फैक्टर 10 को, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं कौन से पाथवे से, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे से जाकर के किसे एक्टिवेट करना है, फैक्टर 10 को। 12, 11, 9, आगे 10, कौन सा फैक्टर, 12 ये लिखा है, नीचे कौन होगा, इसके बाद कौन होगा और इसके अगले वाला कौन है, ये सीक्वेंस किसका हो गया बताओ, क्या सीक्वेंस हो गया, 10 के बाद की आपको प्रक्रिया पता है, 10 एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन में थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को, फिब्रिन में और फिब्रिन क्या बना लेगा, क्लॉट। इंट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से फैक्टर्स, कहां से प्रक्रिया शुरू हुई, 12 से, इसके बाद कौन एक्टिवेट होगा, 11, 11 के बाद 9 और 9 के बाद 10। बस नहीं है अभी, अभी तो बस के मतलब दो होते हैं, समझ रहे हैं लोग, जब रोड पर खड़े होते हैं बस स्टॉप पर तो क्या बोलते हैं, जैसे ही आपसे बात कर रहे हैं बस दिखाई बोले, बस मतलब बंद करो बोलना मैं जा रहा हूं, वो वाली बस नहीं, बताओ क्या सीक्वेंस हो गया, चलिए देखिए, दो पाथवे हैं, कौन सा पाथवे है, इंट्रिंसिक पाथवे, कौन सा पाथवे है, वैस्कुलर इंजरी, ध्यान से समझिएगा क्या होता है, ब्लड वेसल्स में इंजरी हुई, जैसे इंजरी होती एक्सपोजर हुआ कोलेजन का, कहानी वैसे ही शुरू हो रही जैसे प्लेटलेट्स की शुरू हुई, ठीक है, कौन एक्सपोज हुआ, कोलेजन, जैसे ही कोलेजन एक्सपोज होते हैं फैक्टर जो 12 है ये जाकर के उनके साथ बाइंड कर जाता है, उसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट किनिनोजन एंड कैलिक्रेनिन, ध्यान से समझिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट किनिनोजन एंड कैलिक्रेन, ध्यान रखिएगा, इन दो फैक्टर दे एक्ट एज को फैक्टर, एक्ट एज को फैक्टर, तो फैक्टर 12 कोलेजन के साथ बाइंड करता है, आप जानते हैं जो हमारे ईसीएम में जो चार्जेस हैं बेसिकली निगेटिव चार्ज, ठीक है, सरफेस होते हैं, तो यहां पर एक निगेटिव चार्ज सरफेस भी ध्यान रखना है, ठीक है, तो कोलेजन के साथ फैक्टर 12 बाइंड हुआ इन प्रेजेंस ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट किनिनोजन एंड कैलिक्रेन और एक्टिवेट हुआ एंड कन्वर्टेड इन ए एक्टिव फैक्टर 12, समझ में आ रहा है, जैसे प्लेटलेट्स की कहानी शुरू हुई जस्ट वही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, केवल किसकी प्रेजेंस में, किनिनोजन एंड कैलिक्रेन, ठीक है, और ये एक्टिवेट हो गया 12A में, विच इज ए प्रोटीएज एंजाइम, कैसा है, प्रोटीएज, जैसे आप पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कि एक प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव प्रोटीएज एंजाइम में एंड कैटेलाइजर्स ब्रेकडाउन ऑफ नेक्स्ट प्रोटीन, उसी तरह से फैक्टर 12 एक्टिवेट हुआ, कैसे एक्टिवेट हुआ आप समझ गए, ठीक है, जैसे ही इन कोलेजन कोलेजन एक्सपोज हुआ और ये बाइंड हुआ किनिनोजन और कैलिक्रेन की प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट हो गया एक्टिव फैक्टर 12 में, ए लगा दिया, क्या लगा दिया, देखो ये लगा है ना, ठीक है, ये एक्टिव फैक्टर 12 कैटेलाइजेस कन्वर्जन ऑफ फैक्टर 11 टू एक्टिव फैक्टर 11 और इस कन्वर्जन को भी फैसिलिटेट करता है हाई मॉलिक्यूलर वेट किनिनोजन, ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, कौन एक्टिवेट हो गया, जो फैक्टर 11 है, ठीक है, वो फैक्टर 9 को कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फैक्टर 9 में, ठीक है, ये ध्यान रखोगे, किसमें कन्वर्ट कर दिया, तो 12, 11, 9, चारों तरफ से 10 वाले को घेर लिया है, ध्यान रखिएगा, अभी ध्यान रहेगा, कौन फैक्टर एक्टिवेट हो चुका है, बताइए 9, ठीक है, ये अकेले जाने में डरता है कि फैक्टर एक्स के 10 के पास कैसे पहुंचे, पता नहीं गुस्से में उठे क्या करे, ये अकेले नहीं जाता, ठीक है, जरा देखिए ये लिखा है पीएल, पीएल का मतलब ये पांचवा लाल नहीं है, पंचम लाल होता है ना,
पांचवें भाई का नाम पंचम लाल होता है चंदन, अक्सर मैंने देखा है। तो ये वो नहीं है, पांचवा लाल नहीं है, ये फास्फोलिपिड है। क्या है? सिक्रीटेड फ्रॉम प्लेटलेट्स। किससे सिक्रीट हो रहा है? जो टेम्परेरी प्लग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं उनसे रिलीज हो रहे हैं कौन? फास्फोलिपिड्स इन प्रेजेंस ऑफ कैल्सियम। कौन सा फैक्टर? फोर्थ, ठीक है। और फैक्टर एट, फैक्टर एट कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फैक्टर एट में। तो मैं इस तरह से कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, एक्टिव फैक्टर नाइन फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद एक्टिव फैक्टर एट, ठीक है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कैल्सियम कैटलाइजेस एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर टेन, स्टुअर्ट प्रॉपर फैक्टर का कन्वर्जन कर दिया एक्टिव फैक्टर। कोई समस्या इसमें बताओ? बहुत ही आसान है। जैसे एक्टिवेशन आपने टेम्परेरी प्लग फॉर्मेशन का, प्लेटलेट्स का जो अधेशन है आपने पढ़ा, जस्ट वही रिस्पांस आपने यहां पढ़ रहे हैं। बस यहां पर आपको ध्यान रखना है कौन कौन से फैक्टर एडिशनल इन्वॉल्व हो गए। तो को फैक्टर्स दो एडिशनल इन्वॉल्व हो गए, हाई मोलिकुलर वेट किनिनोजन एंड कैलिक्रेन, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। फैक्टर जो नाइन था इसने एक्टिवेट किया फैक्टर टेन को, लेकिन ऐसा करने के लिए इसे जरूरत थी, बताइए, फॉस्फोलिपिड कैल्सियम एंड एक्टिव फैक्टर एट की, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इन अब्सेंस ऑफ सफिशियंट कैल्सियम एंड फॉस्फोलिपिड, यदि इस स्टेज पर कैल्सियम और फॉस्फोलिपिड सफिशियंट अमाउंट में नहीं है तो ये एक्टिवेशन प्रॉपर नहीं होता है और ब्लड क्लॉटिंग भी नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है। इससे पता चलता है कैल्सियम और फॉस्फोलिपिड की क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंस। तो ये फॉस्फोलिपिड कहां से सिक्रीट हो रहे हैं? प्लेटलेट से, जो ऑलरेडी क्लॉटिंग में, जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उन्होंने सिक्रीट किया। ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो यहां पर कौन सा फैक्टर आ गया है? एट, ठीक है। यहां पर बहुत ही आसान है, इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के लिए उससे पहले, ठीक है, आपको तीन फैक्टर और एक्टिवेट करने पड़े और एडिशनल एक फैक्टर 8th की इन्वॉल्वमेंट और भी, ठीक है। अब जरा एक्सट्रिंसिक पाथवे में देखिए, वैस्कुलर इंजरी, रिलीज ऑफ टिशू थ्रोम्बोप्लास्टिन, किसका रिलीज हुआ? टिशू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये टिश्यू से रिलीज हो रहा है। किससे रिलीज हुआ है? टिश्यू से, प्लाज्मा में नहीं है। जो डैमेज हुआ है जो टिश्यू वहां से रिलीज हो रहा है, और ये क्या करता है? ये फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है 7A में, इसमें एक्टिवेट करता है 7A में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फैक्टर 7A फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विथ फॉस्फोलिपिड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्सियम, किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है? फैक्टर 7 जो एक्टिवेट हो चुका है इन रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, यही फैक्टर 7 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉस्फोलिपिड्स एंड कैल्सियम जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट प्रेजेंट है उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है and then catalyzes activation of factor 10 to 10A. समझ में आ रहा है? देखा जाए तो सिंगल स्टेप रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। नहीं समझ में आ रहा? आपका मानना यह है कि ऐसे ही होना चाहिए था इधर भी। अरे आप भाई तो पढ़ेंगे जो साइंस में, मैं अपने आप से बना के लेने, मैं इसका रास्ता घुमा देता इधर से लेके आप। ये समझ में आ रहा है? तो ये तो बेहद आसान है, इसका मतलब एग्जामिनर पूछेगा तो यहां ज्यादा पूछेगा, नहीं पूछेगा तो यहां पूछेगा। तो टिश्यू डैमेज, रिलीज ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कैटलाइजेस कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फैक्टर 7 टू एक्टिव फैक्टर 7, एक्टिव फैक्टर 7 फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद फॉस्फोलिपिड्स कैल्सियम एंड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये एक मिक्सचर है लिपिड्स और प्रोटीन का, किसका मिक्सचर है, ठीक है,
कलेक्टिवली दीज फैक्टर्स कैटलाइजेस कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फैक्टर 10 टू एक्टिव फैक्टर 10। फैक्टर 10 जैसे ही एक्टिवेट होता है तो ए भी इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड कैल्शियम एंड फैक्टर 5 कैटलाइजेस कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक एक्टिव एंजाइम है, क्या है? एक्टिव एंजाइम है। ब्लड क्लॉट कौन बनाएगा? फिब्रिन। ये सारी कहानी चल रही थी फिब्रिन को, ठीक है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में तोड़ने के लिए, और इनको तोड़ने वाला कौन है? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन को किससे बनाया जाएगा? और प्रोथ्रोम्बिन को ब्रेक कर सकता है फैक्टर 10, ठीक है। तो हम लोगों ने फैक्टर 10 को सेंटर में रखा और इसके अराउंड इस रिएक्शन को पढ़ा कि फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर सकते हैं दो पाथवे से, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। और इसके बाद का रिएक्शन तो बहुत ही आसान, बताइए यहां पर कोई समस्या, किसी तरह की कोई समस्या बताइए? बिल्कुल कह सकते हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी रुक जाओ, उस पर भी आ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, ये सभी लोग समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने प्लेटलेट्स का अध्ययन पढ़ाया हुआ था, वहां पर एक रिसेप्टर इन्वॉल्व हो रहे थे, प्लेटलेट का रिसेप्टर था और एक जो हमारे टिश्यू मैट्रिक्स है उनके साथ एसोसिएटेड एक प्रोटीन थी, बताइए BWF बॉन विलब्रॉन्ड फैक्टर, यही तो था ना, ठीक है। जनरली फैक्टर 8 उसी BWF फैक्टर के साथ एसोसिएशन में ट्रेवल करता है प्लाज्मा में, ये समझ में आ रहा है चंद्रकांत? ये जो फैक्टर की बात कर रहे हैं वो ट्रेवल करता है BWF फैक्टर के साथ अटैचमेंट में है, जब ये उससे अलग होगा तो ये एक्टिव हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है 8A में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जब टिश्यू डैमेज होता है तो वो डिसोसिएशन होता है, साथ में थ्रोम्बिन भी उसे अलग कराता है, थ्रोम्बिन भी डिसोसिएट कराता है और फैक्टर 10 भी उसका डिसोसिएशन कराता है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है, फैक्टर 8 का जो कन्वर्जन है एक्टिव फैक्टर 8 में वो मल्टीपल पाथवे से होता है, ठीक है। और जब ये जनरली एसोसिएशन में किसके साथ है? BWF के साथ, जब डैमेज होता है तो भी रिलीज होता है तो डिसोसिएशन हो जाता है, इस वजह से अवेलेबल हो जाते हैं क्लॉटिंग के समय। तो ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है? जरा मुझे तेजी से सीक्वेंस में बताओ, इंट्रिंसिक पाथवे में ज्यादा अंग्रेज बन रहे थे, 12, 11, 9, नहीं हिंदी में ध्यान रखना, कौन कौन सा, और देन इसके बाद 10 के बाद का ध्यान रखने, तो उसके बाद भूल जाएं। फैक्टर 10 प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, और फिब्रिन बनाएगा क्लॉट। तो सारी कहानी फैक्टर 10 के राउंड है, और ये जो पाथवे है आगे ले जाएगा फिब्रिन के कन्वर्जन का, फिब्रिनोजन के कन्वर्जन का फिब्रिन, और जो फिब्रिन जब प्रोड्यूस होते हैं वो स्वतः पॉलीमराइज होकर के क्लॉट बना ले, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, किसके राउंड कहानी घूम रही है? थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्रोड्यूस होगा प्रोथ्रोम्बिन से, किसे प्रोड्यूस होगा? ये इनएक्टिव प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन क्या है? इनएक्टिव, और थ्रोम्बिन कैसा है? एक्टिव है। तो प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है जो इनएक्टिव फॉर्म है, इज ए प्लाज्मा प्रोटीन एन अल्फा 2 ग्लोबुलिन हैविंग ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, बताइए बताइए, प्रोथ्रोम्बिन इज फॉर्म्ड कंटिन्यूअली बाय द लीवर, कहां से सिंथेसाइज होगा? विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इट इज ए अनस्टेबल प्रोटीन दैट कैन स्प्लिट इजिली इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स, वन ऑफ विच थ्रोम्बिन, और ये इनएक्टिव हुआ करते हैं नॉर्मली, हमारे ब्लड हमारे लीवर से लगातार सिंथेसाइज होते हैं, सर्कुलेशन में आते हैं और इनएक्टिव होते रहते हैं, डिग्रेड होते रहते हैं, और क्या होते रहते हैं? इनएक्टिव होते रहते हैं एक नॉर्मल रेट से, ध्यान रखेंगे। लेकिन जब एक्टिवेट होता है थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन क्या करता है? बहुत तेजी से, वो एंजाइम है
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हजारों प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में, और इस तरह से एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन का लेवल तेजी से इंक्रीज कर जाता है। ये ध्यान रखोगे, ठीक है, ये समझ में आ रहा है फंक्शन क्या है। थ्रोम्बिन इज ए दैट एक्ट ऑन फिब्रिनोजन टू रिमूव फोर लो मॉलिक्यूलर वेट पेप्टाइड्स फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ फिब्रिनोजन फॉर्मिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ फिब्रिन मोनोमर। एक फिब्रिनोजन से चार स्मॉल पेप्टाइड्स को तोड़ करके अलग कर देगा और प्रोड्यूस करेगा फिब्रिन मोनोमर। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, आप ऐसे ध्यान रखो कि फिब्रिनोजन को ब्रेक करके कन्वर्ट कर दिया फिब्रिन मोनोमर, ये ध्यान रखोगे। अब फिब्रिन मोनोमर क्या करेंगे, इनके पास सेल्फ असेंबली, ठीक है, ये सारे जो मोनोमर्स रिलीज हो रहे हैं वो एक दूसरे से स्वतः असेंबल होने लगते हैं। कि फिब्रिन मोनोमर्स आर पॉलीमराइज ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड इंटू लॉन्ग फिब्रिन फाइबर दैट कंस्टिट्यूट रेटिकुलम ऑफ द ब्लड क्लॉट। क्या बनाते हैं, ब्लड क्लॉट, ठीक है। तो थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को ब्रेक कर दिया फिब्रिन मोनोमर्स में, और फिब्रिन मोनोमर्स आपस में असेंबल होकर के स्वतः, किसी एंजाइम की जरूरत नहीं है, ऑटो, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, असेंबल होते हैं और एक नेटवर्क बना लेते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं क्लॉट। जैसे छतों में लोहे का जाल डाला जाता है ना, ये इस तरह का एक जाल बना लेते हैं, स्वतः बना लेते हैं, असेंबल होने लगते हैं। इनिशियली तो ये जो पूरा नेटवर्क बन रहा है, मैं ऐसे बना के आपको यहां पर इस तरह से, ये जो फिब्रिन का पूरा नेटवर्क बन रहा है, इनके बीच में नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है। कैसे इंटरेक्शन है, लेकिन जैसे जैसे डिले होगा, जैसे जैसे समय गुजरेगा, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनना भी शुरू हो जाते हैं। इस तरह से एक स्टेबल नेटवर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एग्जामिनर यदि ये पूछता है कि जब फिब्रिन मोनोमर्स पॉलीमराइज होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन ही तो है, और जब प्रोटीन असेंबल होंगी तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी या नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी, तो इनिशियली नॉन कोवेलेंट है, लेकिन धीरे धीरे क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फैक्टर 13 के बारे में पढ़ा था ना, वो फैसिलिटेट करेगा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ये समझ में आ रहा है, बताइए कोई समस्या इसमें, बताइए जरा। देखिए ये प्लेटलेट तो पहले ही आप पढ़ चुके हैं, प्लेटलेट पर ये किसका जाल है, रस्सियों का जाल आ गया, ये समझ में आ रहा है। और इसी को क्या कहते हैं, अब ध्यान से यहां पर थोड़ा समझ लीजिए, कहानी खत्म नहीं हुई है। जो प्राइमरी होम्योस्टेटिक प्लग बना था, प्लेटलेट प्लग बना था, उसी प्लेटलेट प्लग में ही इन फिब्रिन मोनोमर्स की असेंबली हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो प्लेटलेट प्लग बना था वो कहीं और बने, ये कहीं और बने, ऐसा नहीं है, उसी प्लेटलेट प्लग में असेंबली हो रही किसकी, फिब्रिन मोनोमर्स, ये पॉलीमराइज हो रहे हैं विद इन प्लेटलेट प्लग एंड अराउंड द प्लेटलेट प्लग। प्लेटलेट प्लग जो बना था उसके अंदर और उसके बाहर ये फिब्रिन का पूरा एक मेसवर्क प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, और फिब्रिन क्रॉसलिंक करके क्या बना लेंगे, बताइए, तो पूरा एक क्रॉस लिंक्ड फिब्रिन नेटवर्क बना लेंगे। ये सभी को समझ में आ रहा है, बताइए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ये बन गया, अब क्या होगा, ऐसे ऐसे करके घर चला जाए, हो गया आज का काम, बताइए। आप लोगों ने सुना है क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, टिश्यू हीलिंग हो जाए,
तो ये पूरा एक नेटवर्क बन गया है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जब ये बन जाएगा तो फिर होगा क्लॉट रिट्रैक्शन, क्या होगा, पूरा का पूरा जो ये स्ट्रक्चर है वो श्रिंक करने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, समझ में आ रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, पूरा का पूरा टिश्यू ये जो क्लॉट है वो क्या करेगा, रिट्रैक्ट करेगा, समझ में आ रहा है, जिसे कहते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन। तो हम लोग कानपुर में मिठाई खरीदने जाएंगे तो एक रसगुल्ला मिलता है, एक छेना मिलता है, मिलता है ना, व्हाइट कलर वाला, ये नहीं तो बोलते ना, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि आपने छेना पकड़ लिया है उस चाशनी से निकाल के, और ये है क्लॉट, अब आपने उसे दबाना शुरू किया तो क्या होगा, उसकी चाशनी क्या होगी, बाहर निकलती जाएगी। उसी तरह से जब ये क्लॉट रिट्रैक्ट करेगा, जब इसका श्रिंकेज शुरू होगा, तो यहां से जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, फ्लूइड क्या होगा, बाहर आ जाएगा। एक बार एक जगह मैंने एक लोगों को खाते हुए देखा, वो निचोड़ निचोड़ के खा रहे थे, मैंने पूछा ऐसा क्यों खा रहे हो, बोले यदि ज्यादा निचोड़ेंगे नहीं तो शुगर ज्यादा खाएंगे तो फिर खा नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से फिर एक समय बाद खा नहीं पाते, ऐसे हम निचोड़ के खाएंगे तो ज्यादा खा सकते हैं, कम मीठा है। अब आप लोगों को ये सीखना चाहिए, और लास्ट वाला एक पूरा भिगो के खा लेंगे, स्वाद तो वही है। जैसे मैंने यहाँ पर कई बार यहाँ पर देखा, कई सारे स्टूडेंट हमारे जब कभी समोसे मोसे आते, दो तीन निकल जाते हैं और बाद वाला वो दांतों से काट के खाते, बोले स्वाद तो सभी का एक ही है। क्यों चंद्रकांत, चलिए, तो टिश्यू क्लॉट रिट्रैक्शन समझ में आ रहा है। यदि क्लॉट रिट्रैक्ट नहीं होगा तब तो फिर ये पूरा का पूरा, ठीक है, हीलिंग शुरू नहीं होगा, और ये जो लूज स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, जो ये जब रिट्रैक्शन शुरू होगा, श्रिंकेज शुरू होगा, ठीक है, तो ये जो पूरा मेसवर्क है वो श्रिंक करेगा और कंसंट्रेट करने लगेगा उस रीजन पर जहां पर डैमेज है, क्या है, ठीक है। कई बार तो ये पूरा का पूरा आर्टरी को भी ब्लॉक कर सकता है, जैसी रिक्वायरमेंट। तो यहां से जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और जो ये फ्लूइड बाहर निकलेगा उसे आप क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, समझ नहीं आ रहा, सीरम प्लाज्मा, प्लाज्मा सीरम, दोनों बार बोला है। तो यहां से फ्लूइड क्या होगा, बाहर निकलेगा, इस बाहर निकलने वाले फ्लूइड को क्या बोलेंगे, बताइए, सीरम, बताइए क्या बोलेंगे, सीरम। तो यहां से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा वहां क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, ये प्लाज्मा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, प्लाज्मा, इसको सीरम ही कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि क्लॉट बनने के बाद जब क्लॉट रिट्रैक्शन होता है तो उससे फ्लूइड बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जब प्लेटलेट्स वहां पर है तो प्लेटलेट्स के पास भी तो, ठीक है, लिक्विड है, वहां बहुत सारा लिक्विड भी तो ट्रैप हो गया है। ये जो क्लॉट बना है उसमें केवल प्लेटलेट्स नहीं है बल्कि वहां पर और भी सेल्स है, आरबीसी वगैरह सब ट्रैप हो गए, क्योंकि ये तो प्रक्रिया चल रही थी, पूरा एक नेटवर्क असेंबल हो रहा था, तो इसमें दूसरी ब्लड सेल्स भी क्या हो गई है, ट्रैप हो गई है, प्लाज्मा भी ट्रैप हुआ है। तो जब ये रिट्रैक्शन में जाएगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, श्रिंकेज होगा, तो फिर जो फ्लूइड पोर्शन है वो बाहर आएगा, लेकिन क्योंकि यहां पर क्लॉटिंग फैक्टर्स इस कह सकते हैं प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है, कोगुलेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, इस वजह से इसे हम लोग प्लाज्मा नहीं कहेंगे बल्कि ये क्या होगा, सीरम होगा, ये ध्यान रखिए, ये सभी लोग ध्यान रखोगे, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, बताइए, ब्लड क्लॉट, ठीक है। जब ये क्लॉट असेंबल हो गया है, इसी क्लॉट जब असेंबली क्लॉट बन गया है, इस क्लॉट को स्टेबलाइज करेगा फैक्टर 13,
ठीक है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, कौन स्टेबलाइज करेगा? फिब्रिन। जो क्लॉट रिट्रैक्शन है, इस क्लॉट रिट्रैक्शन के लिए प्लेटलेट्स का होना जरूरी है, प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा प्रोसेस था बताइए? हीमोस्टेसिस। कौन सा था? हीमोस्टेसिस। तीन स्टेप, पहला वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग या प्राइमरी हीमोस्टेसिस, एंड थर्ड स्टेज इज ब्लड कोगुलेशन, जिसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ क्लॉटिंग फैक्टर्स का। ठीक है, ध्यान रखोगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स कई सारे हैं, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर्स में सेंट्रल रोल किसका है? फैक्टर 10 का। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, एंड देन थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, फिब्रिन बनाएगा ब्लड क्लॉट। लेकिन क्वेश्चन यहां से शुरू होगा कि प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 10 का एक्टिवेशन कैसे हो सकता है? तो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के दो पाथवेज हैं, इंट्रिंसिक है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 12 एक्टिवेट फैक्टर 11, फैक्टर 11 एक्टिवेट फैक्टर 9, फैक्टर 9 अलोंग विद फॉस्फोलिपिड्स कैल्शियम एंड फैक्टर 8 एक्टिवेट फैक्टर 10, ये ध्यान रखोगे। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज्ड फ्रॉम डैमेज्ड वेसल्स, ठीक है, एंड ये एक्टिवेट करेगा फैक्टर 7 को, और 7 एक्टिवेट करेगा 10, ये ध्यान रखोगे सभी लोग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पाथवेज हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैलिक्रेनिन और कैलिक्रेन एंड किनिनोजन, दो प्रोटीन को भी ध्यान रखना है। इन्होंने इंट्रिंसिक पाथवे में हेल्प किया था फैक्टर 12 को एक्टिवेट होने में, ठीक है, इन प्रोटीन्स को ध्यान रखना है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट्स ने पहले क्या किया? एक कह सकते हैं ट्रांजिएंट प्लेटलेट प्लग बनाया, जिसने ब्लड क्लॉट ब्लड लॉस को रोक लिया। देन इसके बाद जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम लोग किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये हमारा ब्लड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। ब्लड में बाकी जो सेल्स हैं वो इम्यूनोलॉजिकल हैं, हम लोग उसको इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। सीरम का मतलब हो गया क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, बाकी प्लाज्मा का पोर्शन, प्लाज्मा, ठीक है, और प्लाज्मा से माइनस कर दो किसको? क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्या हो जाएगा? सीरम। ठीक है, आप तो मैथमेटिक्स के टीचर रहे हैं तो आप तो इसको कर सकते हैं।